हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत है दोस्तों, एंड आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत ही जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जीएस की जो पॉइंटर वाली सीरीज है घटना चक्र की, उसे हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने तीनों सेक्शन हिस्ट्री का कवर कर लिया, हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर कर लिया, हमने पॉलिटी कवर कर लिया। दोस्तों, आज मौका है और बिल्कुल एक ही वीडियो में ट्राई करूंगा कि ज्योग्राफी का कंप्लीट जो है आपको पैकेज दे दिया जाए, पूरी बुक जो है कवर करके मैं दे दूं आपको। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा, बहुत जल्दी इसे कवर कर दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं मास्टर वीडियो के फॉर्म में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करेंगे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हमारे इंडियन ज्योग्राफी कवर होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, तो पूरा ही सिलेबस हमारा जो है इसमें पूरी बुक के साथ हम लोग कवर करेंगे। सो, सबसे पहले हम जब इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसका एरिया कितना है, उसका एक्सपेंशन क्या है, लैट लॉन्ग वाटर सेड, तमाम चीज़ें ऐसे देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के फॉर्म में ज़्यादातर है, बहुत सारे ऐसे सवाल ऐसे हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का मिश्रण है। सो ए ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड, ऐसा ज्योग्राफिकल यूनिट बताना है, ऐसा ज्योग्राफिकल यूनिट बताना है जो कि स्टोर करता है, कलेक्ट करता है और रिलीज करता है वाटर, ऐसे ज्योग्राफिकल यूनिट को हम लोग कहते हैं वाटर सेट। ऐसे ज्योग्राफिकल यूनिट को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, वाटर सेट कहते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया, यूज़ द कोड गिवन बिलो टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया, आपको बताना है, यूज करना है कोड गिवन बिलो टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो इंडिया इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर हम एरिया वाइज देखें तो क्या ये फिफ्थ लार्जेस्ट है, बिल्कुल गलत है, हम फिफ्थ लार्जेस्ट नहीं है। इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही है, अर्थ पे टोटल एरिया जो है 100% में से वो हमारा जो पार्ट है वो है 2.4%, हम टोटल अर्थ का 2.4% एरिया जो है हम होल्ड करते हैं। होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक जोन, गलत, टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन दोनों में मिल के हमारा जो है आधा पार्ट जो है हमारा टेम्परेट में पड़ता है, आधा जो है लगभग जो है ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है आधे से ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि होल पार्ट जो है इंडिया का जो है वो लाई करता है ट्रॉपिक जोन में, ये गलत है, पहला और तीसरा गलत है। चौथा देखते हैं, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट, दैट इज 30 मिनट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि अलाहाबाद के पास पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है दोस्तों, 1 और 3 गलत है। With reference to India, which statements is or are correct? With reference to India, which statement is or are correct? So India is the 6th largest. वही सवाल आ गया फिर दोबारा, या फिर तो India is 6th largest नहीं है, India's occupy about 2.4% of total area of world, ये बिल्कुल बात सही है, India occupies about 2.4% of the total area of the world, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इंटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स, ये भी बात सही है, ठीक है, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इंटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स, तो 2 और 3 सही है, 4 गलत है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, ये गलत है, ये सवाल रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड सेकेंड वन इज रीजन, एसर्शन और रीजन वाला सवाल है। एसर्शन क्या कहता है, एसर्शन कहता है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरस जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है वो दार्जिलिंग, क्यों, क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड पर, सेम टेम्परेचर सेम लैटिट्यूड पर है दोनों, लेकिन जो है दार्जिलिंग जो है हिली एरिया है, हाई अल्टीट्यूड है, तो वही वहाँ पे जो है डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो कम जाता है और आगरा में ज़्यादा रहता है। रीजन, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है, जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा यानी कि हाइट बढ़ेगा तो जो है एयर जो है थिन हो जाता है, इसकी वजह से टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है।
प्लेसेस इन माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन प्लेन्स। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, ठीक है। अब हालांकि दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, आगरा और दार्जिलिंग दोनों जो है सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन चूंकि दार्जिलिंग हाई अल्टीट्यूड पे है मतलब हिली एरिया है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द आगरा। वेयर डज इंडिया रैंक्स इन एरिया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है हमारी, सिक्स्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया हम, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सबसे बढ़िया रूस, सबसे बड़ा रूसिया है या रसिया जिसे कहते हैं, ठीक है। और हम जो है सातवें नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, और वर्ल्ड का टोटल एरिया का 2.4% एरिया हमारे पास है। आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज अभी 7% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा दोस्तों, अभी 7% से भी ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, ठीक है। 8% से ज़्यादा है, 7% तो खैर दूर की बात हो गई। तो एरिया तो हमारा 2.4% ओनली है, लेकिन पॉपुलेशन का लोड देख सकते हो 8% से ज़्यादा है। हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रॉक्सीमेटली देयर इन इंडिया, भारत में कितने विलेजेस हैं। तो ये सेंसस हुआ था 2011 का, 2011 की सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो भारत में विलेजेस की जो संख्या है वो 640,930 है, ठीक है। 640,930 जो है विलेजेस हैं एज़ पर सेंसस 2011। तो कहते हैं ना कि भारत विलेजेस में ही बसता है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज़ करेक्ट। तो भारत जो है सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी रूसिया है, ठीक है, रसिया सबसे बड़ी है, भारत का नंबर जो है वो सातवां है। अब हम देखेंगे इसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। तो भारत की बात करें अगर एक्सपेंशन के तौर से, कि भारत का एक्सपेंशन जैसे मतलब कि ये जो आप देख लो ये भारत हो गया, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा पुअर है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये भारत है तो इसका जो है लैटिट्यूडनल ये वाला हो गया पोर्शन, लॉन्गिट्यूडनल ये वाला पोर्शन हो गया। तो इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन है इसका एक्सपेंशन देखा जाए तो लैट जो है लैटिट्यूड जो है वो 8.8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये लैटिट्यूड है। अगर ईस्टिंग में बात करें लॉन्गिट्यूड की तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसका पड़ता है। द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू राजस्थान। जो मतलब सिक्किम को पास करता है लैटिट्यूड, वही लैटिट्यूड राजस्थान को भी पास करता है। क्यों, देखिए ऐसे ड्रॉ करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप मैप पे ये सब चीज़ें देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ऐसे भारत है तो सिक्किम कहाँ है दोस्तों, मेरे दोस्तों सिक्किम जो है यहाँ पर पड़ता है और राजस्थान भी इसी पर पड़ता है। तो ये जो है सेम लैटिट्यूड पर दोनों पड़ता है। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू जैसलमेर। 70 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो पास करता है जैसलमेर के थ्रू। अगला है इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के बीचों बीच पास करता है, कह सकते हैं। इट पासेस थ्रू विच स्टेट्स, तो ये झारखंड, ये लगभग 8 स्टेट से पास करता है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमाम ऐसे मतलब 10-8 इसमें जो है स्टेट हैं जिनके थ्रू ये होके गुजरता है और उसमें झारखंड भी है। विच टाउन इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट जो टाउन है वो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। विच टाउन इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आंसर होगा गांधीनगर। विच सिटीज़ इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिटी की बात करें, टाउन की नहीं बात कर रहा। विच सिटीज़ इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ऑप्शन रहा होगा उसमें कोलकाता जो है आंसर है। विच इम्पॉर्टेंट, तो देख सकते हैं आप जिस मैप पे दिखाना चाहूँगा आपको कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऐसे होके पूरा गुजरता है, ठीक है। विच इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, तो ये वही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, अगर वर्ल्ड का अगर आप देखोगे वर्ल्ड पे, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है ये इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर 23.5 डिग्री
जो है नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और 23.5 डिग्री साउथ जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो जो है भारत को हाफ ही ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की कौन सी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार जो है क्रॉस करती है, वो है माही। भारत की वो नदी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है वो है माही। विच इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो लाई करता है वो स्टेट है मणिपुर। विच इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आंसर होगा मणिपुर। विच इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आंसर होगा मणिपुर। विच प्लेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन मंथ ऑफ जून, विच प्लेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून, ये इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली क्योंकि सेंटर टाइप में पड़ता है, तो जो है जितना ईस्ट में जाओगे उतना ही जो है डे का साइज जो है कम होता जाएगा, तो मैक्सिमम डे लेंथ जो होता है वो दिल्ली का होता है। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में अब देखते हैं। व्हेन देयर इज़ अ मिडनाइट एट आईएसटी मेरिडियन, ठीक है, व्हेन देयर इज ईस्ट मिडनाइट एट आईएसटी क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। सो व्हेन देयर इज़ अ मिडनाइट एट आईएसटी मेरिडियन ए प्लेस ऑब्जर्व्स 6 AM द मेरिडियन ऑन विच द सेड प्लेस इज लोकेटेड एट, इसका सही आंसर होगा 172 डिग्री 30 मिनट ईस्टिंग। ठीक है, जब भारत में कह रहा है कि 12 बजे रात्रि होती है तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे 6 बज रहा है तो उसका क्या होगा मेरिडियन। तो हम जानते हैं कि भारत का जो टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे रहता है। तो यहाँ पे 172 डिग्री 30 मिनट ईस्टिंग इसका आंसर होगा 6 AM, यानी कि 1 घंटा जो है 15 डिग्री के बराबर होता है, तो 15 × 6 90 हो जाएगा 90। और भारत का जो लिया गया है टाइम वो 82.5 डिग्री से लिया गया है, 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट से लिया गया है। इसमें 90 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 172 डिग्री 30 मिनट आएगा, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि वालोंग है। वालोंग जो है मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है भारत का, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और गुजरात का मोस्ट वेस्टर्न विलेज जो है, इन दोनों के बीच में टाइम का गैप जो होगा दोस्तों 2 घंटे का होगा। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का होगा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो 68 से लेकर 82 तक के बीच में है, तो अगर इसको माइनस करोगे 82 और 68 को तो कितना आएगा, 87 है, तो ये लगभग 20 के आसपास आएगा डिग्री में। 1 डिग्री जो है कितने के बराबर होता है, 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। विच सिटीज इज क्लोजेस्ट टू आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बिल्कुल क्लोजेस्ट सिटी जो कि मेरिडियन के, वो है रीवा। विच सिटीज इज क्लोजेस्ट टू आईएसटी दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, आंसर होगा रीवा। रीवा इज द क्लोजेस्ट टू आईएसटी। इफ इट इज 10 AM आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 10 बज रहा है, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर 10 बज रहे हैं आईएसटी के हिसाब से तो 92 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होगा, ये होगा, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 38 AM कैसे होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री से लिया गया है, 82.5 डिग्री से लिया गया है, हम जानते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, और ये 92 पूछ रहा है, तो यानी कि हमारा 9 डिग्री 30 मिनट की बात हो रही है, तो 9 डिग्री के लिए जो है कितना हो जाएगा, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, 9 डिग्री कितना होगा 36 मिनट, और आधा डिग्री होता है 2 मिनट के बराबर, तो 38 मिनट जो है 10:38 वहाँ पे टाइम होगा, 10:38 होगा यहाँ पे, ठीक है।
व्हेन इट इज नून एट आईएसटी मेरिडियन, व्हेन इट इज नून एट आईएसटी मेरिडियन। दोस्तों ये बात समझ में आई कि नहीं, थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री है, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, ठीक है। ईस्ट में जाओगे तो 4 मिनट ऐड करना पड़ेगा उस टाइम में, वेस्ट में जाओगे तो 4 डिग्री घटाना पड़ेगा। और हमसे पूछा है, बोला है कि 82.5 डिग्री पे 10 बज रहा है तो 92 डिग्री पे कितना बजेगा, तो 92 डिग्री में से 82.5 डिग्री घटाओगे तो आएगा कितना, 9 डिग्री 30 मिनट। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है बराबर होता है 4 मिनट के, तो 9 डिग्री होगा 36 मिनट के, और 1 जो डिग्री है 4 मिनट के बराबर होता है तो आधा डिग्री यानी 30 मिनट जो होगा कितना, 2 मिनट के बराबर होगा, तो ये 38 मिनट हो गए। तो 10:38 बजेगा 92 डिग्री ईस्ट पे। व्हेन इट इज़ नून एट आईएसटी मेरिडियन, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगेन कैलकुलेशन वाली बात है, 82.5 डिग्री होता है, उसमें से 120 में से 82.5 घटा लोगे तो 82 पहले घटाओ तो 80 घटाओ पहले 40 बचेगा, उसमें से 2 घटाओ 38 बचेगा, उसमें 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री को कन्वर्ट कर लो, 37 × 4 करोगे, 37 × 4 तो ये आ जाएगा आपको 28, और 2 × 12 = 14 प्लस इसमें आपको 2 मिनट और ऐड करना पड़ेगा आधा डिग्री के लिए यानी 30 मिनट के लिए, तो 2 हो जाएगा ये आपका 150 मिनट। अब 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे ज़्यादा हो रहा है, नून मतलब 12 बज रहा था आईएसटी पे, इसमें 2 घंटे और जोड़ दो 2.5 घंटे तो 14:30 टाइम होगा, ठीक है, 120 डिग्री ईस्ट पे। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, आईएसटी किसके थ्रू पास नहीं होता है, ये जो है महाराष्ट्र के थ्रू पास नहीं होता है, आईएसटी जो है ये महाराष्ट्र के थ्रू पास नहीं होता है। स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री जो है, इट पासेस थ्रू विच टाउन्स, जो आईएसटी है उसके पूछ रहा है कि किस टाउन से पास होता है, ये अलाहाबाद में ये पास होता है, अलाहाबाद से, ठीक है, अलाहाबाद में ही नैनी के आसपास का एरिया जो है लिया गया है आईएसटी, 82.5 डिग्री आईएसटी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड जो है वो है 82.5 डिग्री, हमारा आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है, या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है जहाँ से हमारा भारत का जो है टाइम कैलकुलेट होता है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको समझ लो ऐसे कि जैसे भारत है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे भारत है, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे अलाहाबाद है लगभग, अलाहाबाद से हमारा आईएसटी लिया है हमने, ये आईएसटी का टाइम लिया है। अब देखो भारत का एक्सपेंशन तो इतना बड़ा है ना, तो टाइम हर जगह का तो सेम नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, अगर इधर से इधर जाओगे तो घटाना पड़ेगा डिग्री वाइज, इधर से इधर जाओगे तो जोड़ना पड़ेगा, ये करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं भारत में स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर जब अलाहाबाद में टाइम होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वही टाइम जो है आपको सेम टाइम आपको मिलेगा ईस्ट में, वो टाइम अलग मिलेगा। हाउ मच इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट ग्रीनविच मीन टाइम, ये है +5 hours 30 minutes, ठीक है, 5.5 घंटे, 5 घंटे नहीं होगा, 5.5 घंटे होगा, ठीक है। इफ़ सन राइजेज, अच्छा आईएसटी से बोला है, हाँ तो 5.5 घंटे होगा, ठीक है। आईएसटी और यूटीसी या फिर जीएमटी जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम, इन दोनों के बीच का गैप जो होता है 5.5 घंटे का होता है, 5 घंटे का नहीं होता, यहाँ गलत है ये। इफ़ द सन राइजेज एट तीरप, तीरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM आईएसटी, देन व्हाट टाइम आईएसटी विल द सन राइज इन कांडला गुजरात, तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट हो गया ये बिल्कुल, तो 5 + 2 = 7 बजे, 7 बजे अगर ईस्ट में सनराइज 5 बजे हो रहा है तो वेस्ट में बिल्कुल सनराइज जो है 7 बजे होगा, 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सट्रीम पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला सवाल है कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, भारत का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। वेयर इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, ये ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है इंदिरा पॉइंट। वेयर इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन ग्रेट निकोबार। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, ये है कन्याकुमारी। यहाँ पे तीनों जो है ओशियन जो है मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल का जो है पानी, अरबियन सी का और इंडियन ओशियन, तीनों जो है यहाँ पे मिलती हैं कन्याकुमारी में।
Which of the following pair of state of India indicates the easternmost and westernmost state? तो easternmost जो state है हमारा वो अरुणाचल प्रदेश है, westernmost जो है वो गुजरात है. easternmost जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, westernmost जो हमारा state है वो गुजरात है. The westernmost point of India is 68 degree 7 minute east, which is in Gujarat. The westernmost point in India is 68 degree 7 minute east in Gujarat. Now we'll cover bordering countries. Consider the following statements. So Assam shares border with Bhutan and Bangladesh. बिल्कुल सही है. Assam जो है share करता है border with Bhutan and Bangladesh दोनों के साथ. असम शेयर करता है बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश दोनों के साथ. वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है, ठीक है. मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये सभी सही है दोस्तों. अगर आप देखोगे जैसे कि, तो जैसे ये भारत ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे असम है, यहाँ पे असम है, ठीक है. तो ये असम जो है यहाँ पे भूटान है, भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है. ये पूरा असम है, ठीक है, यहाँ पे भूटान के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है. और इधर जो है आपका इस वाले रीजन में, आपको ये वाले रीजन में बांग्लादेश इधर नीचे पड़ता है, तो बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है बॉर्डर. अगर वही बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर पड़ता है. वेस्ट बंगाल जो है भूटान और नेपाल हमारा कहाँ पर पड़ता है, नेपाल पड़ता है यहाँ पर. भूटान और नेपाल दोनों के साथ ये जो है बॉर्डर लगाता है, ठीक है. अगर वही बात करें हम मिजोरम की, जो कि यहाँ पे पड़ता है, तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, यहाँ म्यांमार है इस रीजन में, के साथ बॉर्डर लगाता है. एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इज असेंडिंग ऑर्डर. तो बढ़ते क्रम में बताना है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारी किसके साथ लगती है, ठीक है, बढ़ते क्रम में. तो दोस्तों आप अमेज हो जाओगे कि सबसे ज़्यादा 4000 के आसपास बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है. उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है वो चाइना के साथ लगती है, फिर पाकिस्तान के साथ, और सबसे कम बाउंड्री हमारी नेपाल के साथ लगती है इसमें, इन ऑप्शन में, ठीक है. तो सबसे कम नेपाल, फिर पाकिस्तान के साथ बाउंड्री, फिर चाइना के साथ, और फिर बांग्लादेश. बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री 4096 के आसपास जो है किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर की बाउंड्री जो है, किलोमीटर की बाउंड्री जो है हमारी लगती है. विच स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं लगाता है मणिपुर, मणिपुर नहीं लगाता है. वैसे बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का लगता है, असम का लगता है, म्यांमार का लगता है, म्यांमार कह रहा हूँ, मिजोरम का लगता है, मणिपुर का नहीं लगता दोस्तों. मणिपुर का ओनली जो है म्यांमार के साथ उधर लगता है, इधर नहीं लगता, बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है. इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर, तो ये मेघालय है, असम है, वेस्ट बंगाल है, और त्रिपुरा है, ठीक है. वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है. विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है मेघालय, असम जरूर करता है, मेघालय नहीं करता है, ठीक है. मेघालय जो है इसका बॉर्डर जो है भूटान के साथ नहीं लगता है. Which state in India do not share border with Bhutan? बिहार का जो है बॉर्डर नेपाल के साथ जरूर लगता है, भूटान के साथ नहीं लगता, नेपाल के साथ जरूर लगता है. एक ही इंटरनेशनल इसका बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, भूटान के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है. वेस्ट बंगाल का जरूर लगता है भूटान के साथ. विच इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ जो है मैक्सिमम बाउंड्री लगाता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और उसके बाद जो है वही मणिपुर है उसके नीचे जस्ट. तो सबसे ज़्यादा जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है वो लगता है अरुणाचल प्रदेश का, इंडियन स्टेट में. विच ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान? पाकिस्तान का बॉर्डर हम जानते हैं वेस्टर्न बॉर्डर है, पंजाब का लगता है, जम्मू एंड कश्मीर का लगता है, राजस्थान और गुजरात का लगता है वेस्टर्न साइड में, ठीक है. इसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर जो है लगता है पाकिस्तान के साथ. द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल इज सिक्किम और बिहार. दो का जो है बॉर्डर लगता है, सिक्किम का लगता है, बिहार का लगता है. ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाता है वैसे तो नेपाल के साथ इन्हीं का लगता है, ठीक है. विच स्टेट, वैसे तो यूपी का भी लगता है नेपाल के साथ, बट ठीक है अभी ऑप्शन के हिसाब से पूछा होगा. विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार? असम का जो है बॉर्डर नहीं है म्यांमार के साथ, वैसे मणिपुर का है, अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड का है, असम का नहीं है. विच कंट्री शेयर्स
द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया, आंसर होगा सबसे ज़्यादा जो भारत के साथ बाउंड्री लगाता है वो बांग्लादेश, 4096 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगभग जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है हमारा, बहुत लंबा बॉर्डर है। विच स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश, नागालैंड का जो है बाउंड्री जो है, हमारा स्टेट है नागालैंड, इसका बाउंड्री बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाई, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाई रेडक्लिफ लाइन, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाई रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि रेडक्लिफ ही जो है बाउंड्री कमीशन के हेड थे, ठीक है, चेयरमैन थे, और इन्होंने ही डिसाइड किया था भारत और पाकिस्तान का जो क्या बाउंड्री रहेगा। डूरंड लाइन जो है वो भारत के साथ अफगानिस्तान की बाउंड्री के बीच में जो लाइन है वो डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विथ विच फॉलोइंग कंट्री, आंसर होगा अफगानिस्तान। डूरंड लाइन जो है डिमार्केट करता है इंडियन बाउंड्री विद द अफगानिस्तान की बाउंड्री। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, जो कि रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। वॉट इज रेडक्लिफ लाइन, इट इज़ अ लाइन, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना, मैकमोहन लाइन, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, बाउंड्री लाइन है ये। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, ये है पाक स्ट्रेट बे, पाक जल डमरू कहते हैं जिसे। विच लाइन सेपरेट इंडिया एंड, ये एक स्ट्रेट है, ठीक है, मतलब दो, जैसे ये भारत का अगर पेनिनसुलर रीजन है और यहाँ पर श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट बहता है, पानी की धारा है, ये पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विथ थ्री कंट्रीज, नेमली नेपाल भूटान एंड चाइना, आंसर होगा सिक्किम। छोटा सा स्टेट है बट नेपाल भूटान और चाइना के साथ, चिकन नेक वाला रीजन जो है सिक्किम का लगता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विथ थ्री कंट्रीज, नेमली नेपाल भूटान एंड चाइना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स थ्री साइड्स, त्रिपुरा, त्रिपुरा के तीनों साइड में इंटरनेशनल बाउंड्री है, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगाता है, ठीक है, म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स थ्री साइड, आंसर होगा त्रिपुरा। अब देखते हैं फिजिकल डिवीजन। सो नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले उसमें नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो पहला सवाल कहता है कि द पेलियोमैग्नेटिक, पेलियोमैग्नेटिक रिजल्ट, पेलियो मतलब होता है पत्थर, स्टोन, और मैग्नेट मतलब तो जानते ही हैं। तो पेलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड नॉर्थवर्ड, किस तरफ बढ़ा है, नॉर्थवर्ड। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कॉल्ड, ये गोंडवाना लैंड हुआ करता था, कंप्लीट जो है एक लैंड हुआ करता था जिसे गोंडवाना कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो माना जाता है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वॉज पार्ट ऑफ द ह्यूज मास लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, तो भारत में चार नेचुरल टेरिटरीज हैं, ठीक है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, तो गैंगेटिक प्लेन है, हिमालयन रीजन है, पठारी भाग है, ठीक है, और डेजर्ट एरिया भी है। तो चार जो है नेचुरल टेरिटरीज में बांटा गया है। इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टेशियन वेल्स फाउंड, आर्टेशियन वेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे जो है नेचुरली जो है आपको पानी का स्रोत होता है, ये एक थोड़ा सा आप खोदोगे तो वहाँ पे कंटिन्यूस पानी आता रहेगा। तो ये जो है तराई रीजन, ऐसा ही आर्टेशियन वेल का एग्जाम्पल है हमारे यहाँ तराई रीजन। If there were no Himalayan range, what would have been the most likely geographical impact on India? If there were no Himalayan ranges, what would have been the most likely geographical impact on India? सबसे पहला impact होता कि most of the country would experience the cold waves from Siberia. क्योंकि Siberian जो cold waves आती है उसे हमारा इतना ऊँचा पहाड़ है हिमालय का कि उसे रोक लेता है। तो हमारा जो है बहुत सारी कंट्रियों को इससे फ़ायदा होता है, हमारा जो हिमालय है,
ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रियों में ये कोल्ड वेव लेके आता। इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एल्यूवियल सॉयल, क्योंकि ये जो एल्यूवियल सॉयल आता है, जब पहाड़ी नदियाँ जो हैं, जो कि हिमालयन रेंज से ओरिजिनेट होती हैं, और बहुत सारा जो है एल्यूवियम लेके आती है पहाड़ों को काट के, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज़ एट प्रजेंट, क्योंकि हम जानते हैं ये पहाड़ जो है बहुत सारा जो है ब्रांच को मोड़ती हैं इधर हमारे तरफ, तो जो ये पैटर्न है मानसून का वो भी डिफरेंट होता। तीनों बातें सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। तो पहला है, स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कहता है कि द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन सिंक्लिनोरियम पीरियड, तो ये भी बात सही है। द गैंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन 4D, ये भी बात सही है। द हिमालय ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट, ये गलत है। इंडियन प्लेट और जो है ये दो प्लेट का ये मर्जर हुआ था, जिसमें हमारा जो है भारतीय प्लेट है और जो दूसरा प्लेट है बर्मिस प्लेट, वहाँ पे जो है मर्ज हुआ था, ठीक है। तो 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, गंगा प्लेन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, इसको जियो सिंक्लाइन कहा गया है, ये BPSC में पूछा गया सवाल है। गंगा का जो प्लेन है वो जियो सिंक्लाइन प्लेन है, गंगा का जो प्लेन है वो जियो सिंक्लाइन प्लेन है। विच ज्योग्राफिकल रीजन इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, भारत में या फिर कह सकते हैं कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट जो है ज्योग्राफिकल रीजन वो है इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि ये वाला साउथ का जो पोर्शन है वो इंडियन पेनिनसुलर पठारी भाग है, ये सबसे पुराना ये माना जाता है। विच इज़ अ डेजर्ट रीजन, तो सिंधु एरिया जो है, सिंधु एरिया वो डेजर्ट रीजन है, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं इसको। करेक्टली मैच ऑर्डर बताना है आपको। द ओरिजिन ऑफ डेक्कन ट्रैप ये क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। ईओशियन ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट ये लेट सिनोजोइक पीरियड में हुआ था। ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन बहुत पुराना है, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। नर्मदा तापी एलुवियन डिपॉजिट जो है ये प्लिस्टोसिन पीरियड में हुआ था। राजस्थान डेजर्ट ऑफ और थार डेजर्ट जिसे कहते हैं, जो कि राजस्थान के बीकानेर बाड़मेर वो सब रीजन में फैला हुआ है। सो राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज एक्सपेंस ऑफ प्लिस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स। कुट्टानाड जो है, या फिर कुट्टानाडु जिसे कहते हैं, जो कि केरल में, इट इज़ फेमस फॉर वॉट। कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु जो है ये केरल में पड़ता है, इट इज़ फेमस फॉर वॉट, इट इज़ फेमस फॉर द रीजन विद द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया। कुट्टानाड जो है या फिर कुट्टानाडु जिसे कहते हैं, जो कि केरल में पड़ता है, इट इज़ द रीजन विद द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया। इन हिमालयन रेंजेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद ऑल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे तो आपको अल्पाइन पौधे मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज होता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेड़ पौधों के लिए, नेचर ऑफ वेजिटेशन के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेन का भी पैटर्न चेंज हो जाता है, ऊपर रेन कम होता है, स्नोइंग ज़्यादा होती है तो रेन भी कम हो जाता है, वो भी एक कारण है कि वेजिटेशन चेंज होता है। अनफर्टाइल सॉयल हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो एलुवियम है वो कम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, ये सब कारण है कि जो है डिफरेंट तरीके का जो है आपको वेजिटेशन, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेजिटेशन स्कैंटी, नेचर ऑफ वेजिटेशन अल्पाइन हो जाएगा, वो सब चेंज हो जाएगा। कोनीफेरस जो है पौधे, इस तरीके के कोनीफेरस पौधे जो है पहाड़ों में पाए जाते हैं, कोन शेप के। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन की बात करते हैं, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका हिमालय है मेनली। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बोला गया है। एसर्शन और रीजन वाला सवाल है। एसर्शन कहता है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनियल, तो क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है और काफ़ी ज़्यादा वो जो पानी लेके आता है, तो पेरिनियल नेचर का होता है, सदाबहार ही होता है। हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून, तो ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। साउथ वेस्टर्न मानसून ये कारण नहीं है कि ये नदियाँ जो हिमालय से ओरिजिन होती है वो पेरिनियल है, कारण ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस का सीट है,
ठीक है, आइस का सीट होने की वजह से जो है पानियों की कभी कमी नहीं होती है। द हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंजेस, हिमालय जो है पैरेलल फोल्ड रेंज से बना है, उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट है वो द ग्रेट हिमालयन है। तो आप देखोगे तो हिमालय का एक रेंज यहाँ पे है सबसे पीछे, सबसे इधर, फिर एक रेंज यहाँ, फिर एक रेंज यहाँ। तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय से करके जो है बांटा गया, शिवालिक रेंज। तो सबसे जो ओल्डेस्ट है वो रेंज इनमें से वो है ग्रेट हिमालयन रेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, आंसर होगा हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज़ करेवा लैंड फॉर्म फाउंड, करेवा काफ़ी फेमस है, ये यहाँ पे केसर की खेती खूब होती है। करेवा का जो ये लैंड एरिया है ये पाया जाता है कश्मीर के हिमालय रीजन में, कश्मीर वैली में मेनली यहाँ पे केसर बहुत ज़्यादा होता है। विच इज़ द मेजर रिसोर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन का देखिए हिमालयन रीजन को दो भागों में बांटा गया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, और मिड हिमालयन रेंज भी है। तो जो वेस्टर्न हिमालयन रेंज है मेजर रिसोर्स वहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, ठीक है। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालयस वेयर फोजिल लेस, ठीक है, फोजिल यहाँ पे कम है ऐसा बोला जा रहा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए इन जनरल देखा जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फोजिल बहुत ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे देखा गया है कि जो ग्रेटर हिमालय है वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक में फोजिल की कमी है, और फोजिल ही है जो कि पेट्रोलियम डीजल वगैरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कारण बनते हैं, कोल का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे फोजिल की कमी देखी गई है। दूसरा है मैरीन लिविंग फोजिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयस, ये बात कैसे सही हो सकती है यार, मैरीन तो उससे जुड़ा ही नहीं है उधर, कोई तो मैरीन का कुछ है ही नहीं, तो ये गलत है। हिमालयन रीजन में कहाँ मैरीन कुछ लिविंग फोजिल आएगा, मैरीन तो समुंदर वाले एरिया में मिलेगा। रिमेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालय, ये बात सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। द फ्लैट प्लेन्स, द फ्लैट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, अब देखिए बोल रहा है कि नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया ये रहा, ठीक है, ये आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बोल रहा है कि जो फ्लैट प्लेन्स है सब हिमालयन रीजन के, ये हिमालयन रीजन है पूरा, तो इसमें सब हिमालयन रीजन जो इस वाले रीजन में जो फ्लैट प्लेन्स है वो क्या कहलाते हैं, वो भाबर कहलाते हैं, भाबर कहलाते हैं। द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालयस, फुट हिल क्या होता है हिमालय का, हिमालय जैसे जैसे मान लो पहाड़ है तो इसका जो फुट वाला जो ये रीजन होगा इसे फुट हिल कहा जाता है। तो द फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय इज शिवालिक, यहाँ पे जो है शिवालिक पड़ता है, ठीक है, शिवालिक। कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालयस द हाइट ऑफ द ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालयस इज लेस, हम जानते हैं कि ईस्टर्न हिमालयस में अगर आप देखोगे भारत में ऐसे, ठीक है, तो आप देखोगे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हिमालय पूरा ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से पूरा ये हिमालय ही है, ठीक है। तो ये है वेस्टर्न हिमालय, मिड हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न हिमालय यहाँ पे आके मुड़ता भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे आप जाओगे इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा जो ट्री मिलते हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलता है, और इनका हाइट भी ज़्यादा होता है, हाइट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। वही इधर जाओगे तो इधर जो है ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, और इधर जो है थोड़ा सा रेन भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो है ट्री जो है अल्पाइन नेचर के, कोनीफेरस नेचर के मिलेंगे, और उनका हाइट भी लेस मिलेगा। शिवालिक सीरीज वाज फॉर्म्ड इन, शिवालिक सीरीज जो है ये पीरियड पूछ रहा है किस पीरियड में फॉर्म हुआ था, तो ये पीरियड है सीनोजोइक पीरियड, शिवालिक सीरीज जो है फॉर्म हुआ था सीनोजोइक पीरियड में, ठीक है। द कुमाऊँ हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स, कुमाऊँ हिमालय हम जानते हैं कुमाऊँ कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में कुमाऊँ पड़ता है, वो हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है, सतलज नदी ऐसी नदी है जो कि पंजाब में बहती है, और थोड़ा सा पार्ट उसका जो है काली नदी का जो है, काली और पंजाब वाली वो सतलज नदी के जो बीच में पड़ता है वो कुमाऊँ रीजन पड़ता है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिडमोंड सिचुएशन, पिडमोंड सिचुएशन ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे पहाड़ों के छोटे छोटे पत्थर भी मिलते हैं, उसमें पिडमोंड सॉयल भी कहा जाता है, जहाँ पे थोड़े से पट्टा पहाड़ी टाइप का जो है थोड़ा सा मिट्टी मिलेगा, उसे पिडमोंड सिचुएशन कहते हैं। ये रीजन जो है आपको शिवालिक रॉक सीरीज में भाबर रीजन में मिलता है। द हिमालयन माउंटेन रेंजेज आर नॉट पार्ट ऑफ विच स्टेट, हिमालयन माउंटेन रेंजेज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में जरूर हैं बट उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश अगर आप देखोगे तो पहले क्या था, उत्तराखंड उसके साथ था,
उत्तर प्रदेश अब क्या है, अब ये वाला थोड़ा सा रीजन है, ये वाला रीजन है, वही उत्तराखंड यहाँ पे है। तो उत्तराखंड जो है हिमालयन रेंज से जुड़ा हुआ है, बट उत्तर प्रदेश में जो है हिमालयन रेंज से कुछ भी नहीं है, पहाड़ी भाग जो है पूरा जो है अलग कर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है। व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयस यू विल सी द फॉलोइंग, क्या देखोगे अगर हिमालय में जा रहे हो तो आपको डीप गॉर्जेस दिखेंगे। क्यों डीप गॉर्जेस दिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी नदियाँ जो है हिमालय से ओरिजिनेट होती है, जैसे गंगा, जैसे यमुना, ये सब हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि सदानीरा जिसे गंडक भी कहते हैं। तो आपको जब हिमालयन रीजन में ट्रैवल करोगे तो आपको डीप गॉर्जेस मिलेंगे, ये नदियाँ जो है काटती हैं हिमालय को और गॉर्ज बना देती है। गॉर्ज कुछ ऐसा शेप का होता है जैसे यहाँ पे पहाड़ है ऊंचा, ठीक है, इस बीच में यहाँ नीचे खाई जैसे मिलेगा, गॉर्ज मिलेगा आपको। यू टर्न रिवर्स कोर्सेज मिलेंगे, ऐसे ऐसे नदियाँ मिलेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब मीनांडर या फिर यू टर्न करते हुए जो है यहाँ पे यू शेप का टर्न करती हैं कोर्स की नदियाँ मिलेंगी। पैरेलल माउंटेन मिलेंगे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, मतलब एक माउंटेन रेंज ऐसे होगा फिर एक दूसरा ऐसे होगा, ऐसे करके मिलेगा। स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग जो है यहाँ पे नेचुरली आपको देखा जाता है, क्योंकि पहाड़ स्टीप होते हैं ऐसे, तो यहाँ से पार्ट कुछ कट के ऐसे गिरेगा तो लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, लेसर हिमालय कहाँ पे लोकेटेड है, लेसर हिमालय लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय, शिवालिक रीजन और ग्रेटर हिमालय के बीच में लेसर हिमालय पड़ता है। जैसे आप हिमालय को देखोगे तो हिमालय अगर मान लो ये भारत है, ठीक है, और चलो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ कार्टून की जैसा, तो ये पूरा रीजन हिमालय का रीजन है, पूरा ये ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है सबसे इधर वाला, ये ग्रेटर हिमालय, बीच वाला जो है लेसर हिमालय, और इधर वाला जो सबसे नीचे वाला रीजन है वो शिवालिक रीजन है, ठीक है, समझ में आई बात। तो शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में पड़ता है लेसर हिमालय। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो सबसे पहले साउथ टू नॉर्थ बोला है, साउथ टू नॉर्थ का मतलब ये है कि आपको ये बोल रहा है कि ऐसे आपको बताना है, ये पूरा हिमालयन रीजन है, ठीक है, तो साउथ किधर है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो साउथ टू नॉर्थ जाओगे तो सबसे पहले शिवालिक आएगा आपको, फिर आएगा लेसर हिमालय, फिर आएगा ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ये जो है साउथ टू नॉर्थ जो है आपको मिलता है। विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन चेन, यंगेस्ट माउंटेन चेन जो है वो शिवालिक है, सबसे ओल्डेस्ट है ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और सबसे जो यंगेस्ट है वो शिवालिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज़ द लेटेस्ट वन, तो लेटेस्ट है गोंडवाना रॉक सिस्टम, ठीक है, लेटेस्ट है गोंडवाना रॉक सिस्टम। एक बार बोलते हैं कि गोंडवाना जो है लैंडमास वो सबको मिलाया हुआ था, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी था। कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स ऐसा फीचर होता है जो कि नदियों के द्वारा बनाया जाता है, रिलीफ फीचर कहते हैं, जैसे कि नदियाँ या फिर कट के बनता है, ये दो पहाड़ों के बीच में रेंजेज होता है वो उसके बीच में बनता है। तो झस्कार रेंज ये तो लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है, धौलाधार रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज, इनके बारे में बनाना। द करेक्ट साउथ टू नॉर्थ वेस्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ अबव आर, सबसे साउथ में आपको मिलेगा क्या, धौलाधार रेंज, फिर उसके बाद आएगा आपको झंस्कार रेंज, फिर आएगा लद्दाख रेंज, फिर आएगा उसके बाद काराकोरम रेंज जो कि सबसे ऊपर है नॉर्थ में, ठीक है। अगला सवाल है कि विच इज़ द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ रिलीफ फीचर, तो सबसे पहले पीर पंजाल रेंज आएगा जो कि पीर पंजाल पंजाब वाले रेंज में पड़ता है, झंस्कार रेंज आपको ले लद्दाख वाले रीजन में, फिर लद्दाख रेंज नॉर्थवर्ड सीक्वेंस में देखें तो साउथ से नॉर्थ बढ़ रहे हैं, और फिर सबसे ऊपर आता है आपको सबसे नॉर्दर्न जो है वो है काराकोरम रेंज। विच ग्रुप इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है माउंटेन पीक की, तो ठीक है अगर जैसे मान लो कि ड्रॉ करते भारत को ऐसे, तो माउंटेन पीक देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आप, तो ऐसे ड्रॉ करोगे तो एवरेस्ट हम जानते हैं नेपाल में पड़ता है समवेयर, यहाँ पे नेपाल में है एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट पड़ता है, ठीक है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा जो है इसके ईस्ट टू वेस्ट आपको जाना है, ठीक है, कंचनजंगा जो है इसके भी पहले है, यहाँ पे पड़ता है कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है, एवरेस्ट यहाँ हो गया, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो सबसे जो ईस्ट में क्या दिख रहा है, कंचनजंगा दिख रहा है ये वाला, फिर एवरेस्ट दिख रहा है, और उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी आता है। इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज़ लेस, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ईस्टर्न हिमालय में जैसे जाओगे तो क्या मिलता है आपको, ये ईस्टर्न हिमालय में यहाँ पे जो है ट्री का जो है हाइट ज़्यादा मिलता है, मानसून भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा होता है, इधर जैसे जाओगे तो ट्री का नेचर बदल जाता है और हाइट भी लेस रहता है। इन हिमालयन रेंजेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद द अल्टीट्यूड ड्यू टू विच रीजन, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में, रेनफॉल कम हो जाता है, अनफर्टाइल सॉइल हो जाता है, यही कारण है
कि जैसे जैसे आप हिमालय में ऊपर चढ़ते जाओगे हाइट बढ़ाते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वेजिटेशन चेंज होता जाएगा, वहाँ पे टेम्परेचर की कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम जानते हैं कि ऊपर जाते हैं तो हवा थिन हो जाती है, थिन हवा जो है टेम्परेचर कम रहता है उसका, रेनफॉल कम हो जाता है, उधर स्नोफॉल होगा बट रेनफॉल बहुत कम हो जाता है, अनफर्टाइल सॉइल हो जाता है, इस कारण से जो है जो वेजिटेशन है वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, उसका नेचर भी चेंज हो जाता है, अल्पाइन टाइप के या फिर कह सकते हैं कि कोनीफेरस ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं। विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स जो है ये इसमें जो है त्रिपुरा नहीं आता है, पटकाई हिल्स के एरिया में त्रिपुरा का एरिया नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिली कास्ट मतलब कि हिल में रहने वाले ट्राइब्स या फिर कास्ट की बात की जा रही है, तो गारो खसी जयंतिया ये तीन हिल है और तीनों हिल के हिसाब से जो है ये जो है इनके नाम भी पड़े हैं इनके ट्राइब्स के, तो ये तीनों हिल जो है मेघालय वाले रीजन में पड़ते हैं, गारो खसी और जयंतिया, इसके अलावा नागा ट्राइब्स भी जो है नागालैंड में पाए जाते हैं। चेरापूंजी सिचुएटेड, चेरापूंजी में खूब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, वैसे तो मानसून राम सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है भारत में, लेकिन चेरापूंजी में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, खस्सी हिल में ये पड़ता है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। विच हिल आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स, तो नीलगिरी हिल में क्या होता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलता है, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये वाला रीजन, ये घाट वाला रीजन, और ये वाला है ईस्टर्न घाट, ये मिलता है कहाँ पे आके, नीलगिरी, यहाँ पे हिल्स है नीलगिरी, यहाँ पे आके मिलता है, दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स में मिलता है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना, एक तरफ है हिल दूसरी तरफ स्टेट। गारो हिल्स कहाँ पे है, मेघालय में, गारो खसी जयंतिया ठीक है मेघालय। मीरी हिल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई मलाई हिल जो है, कोलाई मलाई अल्ला मलाई ये सब मलाई मलाई वाले जो हैं तमिलनाडु वाले हैं। डलमा हिल जो है, डलमा हिल जो है झारखंड में है। गारो हिल मेघालय में, मीरी हिल जो है अरुणाचल प्रदेश में, कोलाई मिलाई मलाई जो है तमिलनाडु में, डलमा जो है झारखंड में है। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड और फाउंड इन, पीर पंजाल जो रेंज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पीर पंजाल जो है ये रेंज जो है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ये रेंज ठीक है। पीर पंजाल बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेज इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, कश्मीर की वैली जो है वो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। जब आप देखोगे मैप पे तो कश्मीर की वैली कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है यहाँ पे कश्मीर है, हम जानते हैं यहाँ पे कश्मीर है, तो इधर जो है ग्रेट हिमालय है ये वाला, और इधर जो है पीर पंजाल है, तो इन दोनों के बीच में आपको कश्मीर की वैली मिलती है। मेन रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालय रिसोर्सेज रीजन आर फॉरेस्ट, क्या है यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय में सबसे ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट ही है बस, मेन रिसोर्सेज यही है वेस्टर्न हिमालय में। हिमालय को मैंने बताया ना कि हिमालय को ऐसे बांटा गया, देख लो आप हिमालय को ऐसे बांटा गया, ऐसे देखोगे तो आपको ये ऐसे हिमालय है पूरा, तो ये ईस्ट हिमालय है यहाँ से लेकर इधर तक पूरा, ये मिड वाला पोर्शन है और ये वाला वेस्ट हिमालय है ठीक है, ये पूरा पोर्शन वेस्ट हिमालय है। तो कहते हैं कि मेन रिसोर्सेज जो वेस्टर्न हिमालय का है वो फॉरेस्ट है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय का हाइट जो है बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हाइट वाला यही है, 8850 मीटर अबव मीन सी लेवल यहाँ पे हाइट है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाइट बहुत ज़्यादा है अबव मीन सी लेवल ग्रेट हिमालय में। हिमाचल स्टैंड फॉर व्हाट, मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं, हिमाचल को मिडिल हिमालय भी कहते हैं, जो मैंने बताया था ना कि ऐसे आप देखोगे जब मैप पे ठीक है, तो आपको जो है क्या मिलेगा, मिड हिमालय, मतलब ये ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय हो गया, ये वाले रीजन को मिड हिमालय कहते हैं, हिमाचल स्टेट है यहाँ पे, हिमाचल स्टेट है ठीक है, हिमाचल स्टेट है ठीक है। और इधर आओगे तो आपको ये पूरा हिमाचल है, पंजाब हिमाचल इधर ही पड़ता है, और ठीक है इधर जो है फिर आओगे तो ईस्टर्न हिमालय हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल, अटल टनल जम्मू कश्मीर बनाया, विच इज़ और आर करेक्ट पूछ रहा है, सो इट वॉज बिल्ट बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। देखो जो भी बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट होता है, सड़क बनाना, टनल बनाना, ये सब BRO करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मल NH अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं करती है, ये BRO करती है। इट कनेक्ट्स मनाली एंड लापूल लाहौल स्पीति वैली, सही बात है, ये जो है BRO ने बनाया है अटल टनल को, और ये जो है कनेक्ट करती है मनाली को जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है। इट इज़ लोकेटेड अक्रॉस पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय, भी बात सही है, एंड इट इज़ स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इसका मिलिट्री पर्पस हो सकता है, इसको स्ट्रैटेजिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है, तो चारों बातें जो है सही है। अटल टनल इज़ अक्रॉस हिमालय रेंज, ईस्टर्न पीर पंजाल के जो है रेंज में पड़ता है, इसके क्रॉस पड़ता है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द हिमालयस आर स्प्रेड ओवर 5 states ओनली। क्या ये सही है गलत? 5 state ही ओनली नहीं है इसमें, जम्मू कश्मीर है, J&K है, ठीक है, इसके अलावा जो है पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अलावा फिर आओगे तो आपको ईस्ट में आप चले जाओगे, हिमाचल प्रदेश हम ले लेते हैं, फिर इसके बाद ईस्ट में तो बहुत सारे स्टेट हैं, तो कैसे कहते हैं 5 नहीं है, ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 states ओनली, ये भी बात गलत है, इसमें तो और भी ज़्यादा स्टेट हैं, जैसे कि इसमें आपको गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तो और ये सब स्टेट्स हैं, ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र। पुलिकट लेक इज़ स्प्रेड ओवर 2 states ओनली, ये बात सही है, एक ही स्टेटमेंट सही है, पुलिकट लेक जो है स्प्रेडेड है 2 states ओनली में। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज़ और आर करेक्ट, तो ये तीसरा सही है। माउंट कैलाश ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तिब्बत में सिचुएटेड है, कैलाश माउंट जो है जहाँ पे बताया जाता है कि भाई शिव जी यहाँ पे बैठते थे, ठीक है, माउंट कैलाश में, ये तिब्बत में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? तिब्बत में, माउंट कैलाश। अगला है माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली। अब ये इतना ओल्ड हो चुका है क्योंकि इसकी हाइट कम हो चुकी है घिस घिस के। अब जानते हैं ना डिन्यूडेशन क्या होता है और कैसे पहाड़ छोटे होने लगते हैं धीरे धीरे। विच रेंजेज इज़ द मोस्ट रिसेंट वन, सबसे नया जो है वो बिल्कुल यंग फोल्ड माउंटेन हमारा हिमालयस है। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, तो ये अरावली जो है अब रेसिडुअल हो चुका है, पहले एक समय होगा जब काफ़ी बड़ा ऊंचा विशाल होगा, बट ये रेसिडुअल माउंटेन हो चुका है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक आता है, ये दिल्ली के थोड़ा सा उधर तक। विच इज़ द लार्ज हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? अनाईमुड़ी जो है हाइएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, ठीक है, अनाईमुड़ी। अब आता है हिल माउंटेन और दूसरी तरफ है लोकेशन, स्टेट किस स्टेट में पड़ता है, इसको आपको मैच करना है। तो बटेश्वर हिल जो है ये बिहार में पड़ता है, बटेश्वर हिल। इसके अलावा बिलारी रेंज ये पड़ता है कर्नाटका में। चीन रेंज ये पड़ता है मणिपुर में। धोसी रेंज जो है ये पड़ता है, धोसी हिल जो है हरियाणा में पड़ता है। कोडाई कनाल जो है एक बहुत ही प्यारा सा एक हनीमून डेस्टिनेशन भी है। ये कोडाई कनाल जो है कहाँ पे, इन विच हिल ये लोकेटेड है, तो ये पालनी हिल में लोकेटेड है। करेक्ट मैच बताना है, केरला का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, नागालैंड का हाईएस्ट पीक है सरमती, और नंदा देवी का हाईएस्ट पीक है ये उत्तराखंड में। डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु में है, हाईएस्ट पीक है। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक, कहाँ पे ये फ्लैंक करती है, फ्लैंक मतलब ऐसे, ठीक है। सो द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर जो है फ्लैंक करती हैं सतपुड़ा रेंजेस में। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? सेंट्रल इंडिया में अगर देखोगे, सेंट्रल इंडिया कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन। तो यहाँ पे हिल्स को जो है वेस्ट टू ईस्ट सजाना है, मतलब ऐसे करना है। तो सबसे पहले वेस्ट से देखेंगे तो आपको सतपुड़ा रेंज आएगा, फिर महादेव रेंज आएगा, माइकल और छोटा नागपुर, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट में जाएंगे सेंट्रल इंडिया में, तो सतपुड़ा आएगा वेस्ट में सबसे, जो कि पड़ता है आपका MP में, महादेव फिर आएगा, फिर मैकाल आएगा, फिर आएगा छोटा नागपुर। कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू और खस्सी हिल्स। द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट, सबसे ईस्ट में क्या आएगा, खस्सी आएगा, बिल्कुल सबसे ईस्ट में खस्सी आएगा, और इनमें सबसे वेस्ट में आएगा महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर प्लेटू, फिर खस्सी आएगा। तो 1, 2, 3, 4 यही जो है करेक्ट जो है सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्टवर्ड में, रेंज की बात करें इन रेंजों की। विथ रेफरेंस टू त्रिशूल पीक इन हिमालयस, विथ रेफरेंस टू त्रिशूल पीक इन हिमालयस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? त्रिशूल पीक की बात की जा रही है हिमालयन रेंज में, और कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है आपको बताना है। इट इज़ सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। द पीक इज़ मोर देन 7,500 meters, अरे यार इतना नहीं हो सकता है, हाइट इसका कम है थोड़ा सा, तो ओनली वन जो है करेक्ट है।
द माउंटेन रेंज आर इन हिमालयन माउंटेन. हिमालयन माउंटेन में कौन कौन सा रेंज पड़ता है? चो ओयू लोहोत से एंड अनाई अन्नामलाई तो साउथ में पड़ता है और श्रीमुली सिरुमाली ये भी साउथ में पड़ता है. तो वन एंड टू जो है ये पड़ता है आपको हिमालयन रेंज में. विच सिक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द रेंजेज इन द सतपुड़ा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सवाल कह रहा है कि कौन सा सिक्वेंस जो है वेस्ट टू ईस्ट में करेक्ट है सतपुड़ा रीजन में. तो सबसे पहले आएगा वेस्ट से देखें तो वेस्ट में सबसे पहले आएगा बरवानी हिल, फिर आएगा महादेव रेंज, फिर आएगा मैकाल रेंज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टूअर्ड्स द साउथ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टूअर्ड्स साउथ. तो नल्ला मलाई सबसे पहले नॉर्थ में आएगा, सबसे नॉर्थ में, फिर आएगा जवाड़ी हिल, फिर आएगा नीलगिरी का पहाड़ी, फिर सबसे साउथ में आता है अनामलाई का हिल जो कि केरल में, अनामलाई का केरल में. एट विच हिल द ईस्टर्न घाट ज्वाइन वेस्टर्न घाट. नीलगिरी पहाड़ी के बीच में हम जानते हैं यहाँ पे जैसे पेनिनसुलर इंडिया है तो ये वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है नीलगिरी के हिल्स में मिलते हैं. विच माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट में कौन सा माउंटेन पीक जो है सिचुएटेड नहीं है? यह है सलहर. सलहर जो है वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट में. विच लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका केरला तमिलनाडु स्टेट. तो यह है नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं जैसे आप देखोगे ये, तो यहाँ पे आपको कर्नाटका पड़ता है, इधर केरल है पूरा ये वाला, ये कर्नाटका है, ये केरल है पूरा ये वाला, और इधर तमिलनाडु है, तो यहाँ पड़ता है, इन तीनों के बीच में पड़ता है नीलगिरी की पहाड़ी. नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन तमिलनाडु. कहाँ पे ये? तमिलनाडु में पड़ता है नीलगिरी माउंटेन रेंज जो है, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में. इंडियन ओशियानिस्ट डिस्कवर्ड ए हाई माउंटेन विथ ए हाइट ऑफ 1505 मीटर एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे. द माउंटेन इज कॉल्ड, इसको बोला गया है रमन सागर माउंटेन. कहाँ से? जैसे आप भारत में देखो तो बॉम्बे कहाँ पे? यहाँ पे बॉम्बे, ठीक है. यहाँ से बोला गया है कि 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ से देखोगे तो वेस्ट और साउथ वेस्ट लगभग यहाँ पे 455 किलोमीटर पे, यहाँ पे आपको मिलेगा. इंडियन ओशियानिस्ट ने फाउंड किया है हाई माउंटेन विद द हाइट ऑफ 1505 मीटर बॉटम ऑफ अरेबियन सी में, यहाँ पे जो है माउंटेन मिला है, ठीक है, और इसका नाम रखा गया है रमन सागर माउंटेन. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बोला है कौन सा है? तो वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्दर्न रीजन. मतलब कि हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, जैसे गुजरात से स्टार्ट होता है ये वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये पूरा वेस्टर्न घाट रीजन है. तो इसका जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन में इसका जो है हाइट ज़्यादा है, कहने का मतलब है कि जो इसका एलिवेशन है, एलिवेशन जो है मतलब मीन सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द केरल वाला रीजन जो है वहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है. विच माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया. ये है अजंता. अजंता की जो ये रेंज है ये महाराष्ट्र में सिर्फ लोकेटेड है, महाराष्ट्र में एक ही जो है स्टेट में ये कवर्ड है. वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज़ नोन एज. तो जानते हैं कि वेस्टर्न घाट, देखिए आप जो पेनिनसुलर रीजन में पूरा ये वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो ये महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला जो रीजन है, इधर तो आपको केरल आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सह्याद्री. इसको कहते हैं सह्याद्री, इस पर्टिकुलरली एरिया वाले वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है. सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ में आपको सिक्वेंसली इसको सजाना है. तो सबसे पहले साउथ टू नॉर्थ देखेंगे तो सबसे नीचे आता है सतमाला हिल, फिर उसके ऊपर आता है कैमूर हिल, कैमूर हिल जो कि पड़ता है अगेन आपको बिहार में, फिर आपको आएगा नागा हिल, ठीक है, नागा हिल इसके ऊपर पड़ता है, फिर पीर पंजाल तो सबसे ऊपर है जो कि जे एंड के में है. तो एक दो चार तीन जो है इसका सीक्वेंस होगा. कार्डामोम हिल, कार्डामोम हिल जो है इट लाई अलॉन्ग द बॉर्डर स्टेट ऑफ केरल एंड तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, ठीक है. जैसे आप जाओगे तो जानते हैं कि केरल है यहाँ पे, पूरा केरल है, ठीक है, और इधर पूरा ये एरिया जो है ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु. तो कार्डामोम हिल जो है इसी जो है लाई करता है इन द बॉर्डर, यहाँ पर पड़ता है बॉर्डर स्टेट ऑफ केरल एंड तमिलनाडु.
विच हिल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंजेस इन राजस्थान. ये मुकंदरा हिल, मुकंदरा हिल जो है ये विंध्यन रेंजेस का जो है एक्सटेंशन है, राजस्थान में पड़ता है मुकंदरा, मुकंदरा हिल. ठीक है, अगला है द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज़ कार्डामम. साउदर्न मोस्ट जो रेंज है भारत का वो कार्डामम है. बिल्कुल आप देखोगे तो यहाँ पर पड़ता है कार्डामम. ठीक है, साउदर्न मोस्ट है ये, साउदर्न नीलगिरी वाले में ही पड़ता है वहाँ पर. द हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर कांडव कार्डामम. ठीक है, साउदर्न मोस्ट है और कन्याकुमारी के काफ़ी करीब पड़ता है, ये है कार्डामम. कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न घाट. नंबर वन, इट इज़ अ ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन बिल्कुल सही है, वेस्टर्न घाट जो है ब्लॉक माउंटेन ही है. ब्लॉक माउंटेन ऐसे माउंटेन होते हैं जिनका जो पीक जो है वो इतना शार्प नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ब्लॉक के शेप में होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं माउंटेन्स. इट्स ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटू. बिल्कुल सही है. एंड इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्ड बाई लावा बसाल्ट. तीनों बातें सही हैं, तो तीनों करेक्ट है. वेयर आर सिवरोय हिल लोकेटेड. सिवरोय जो हिल है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है. वेयर आर सिवरोय हिल लोकेटेड. सिवरोय हिल जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र कहाँ पे है दोस्तों? ये लगभग यहाँ पे है. और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जो है लाई नहीं करता है, तो मांडव हिल जो है महाराष्ट्र में नहीं है. करेक्ट मैच बताना है गुजरात हिल जो है, सॉरी ग्रहजात हिल, ये उड़ीसा में पड़ता है. मांडव हिल महाराष्ट्र में नहीं था, मैंने देखा था, ये गुजरात में. मांडव हिल जो है ये मांडवी, मांडव इस तरीके से मांडवी आपको जगह मिलेगा वहाँ पे. ठीक है, तो मांडव हिल जो है ये आपको गुजरात में मिलेगा. नल्ला मलाई हिल जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा. नल्ला मलाई हिल, नल्ला मलाई हिल कहाँ मिलेगा दोस्तों? आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा. सिवरोय हिल जो है आपको तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु में. हिल एंड रीजन आपको बताना है. अगेन कार्डामम हिल आपको वेस्टर्न घाट केरल में, केरल और उसके साथ बॉर्डर लगाता है तमिलनाडु के साथ. कैमूर हिल आपको मध्य प्रदेश और बिहार वाले रीजन में मिलेगा. कैमूर जिला भी है बिहार में. महादेव की पहाड़ियाँ जो है ये सेंट्रल इंडिया में मिलती है, महादेव की पहाड़ियाँ. मिकिर हिल जो है आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा, मिकिर हिल. महादेव माउंटेन आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज. सतपुड़ा का जो रेंज है उसी का पार्ट है महादेव माउंटेन. द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन. धूपगढ़ पीक जो है ये सिचुएटेड है कहाँ पे? सतपुड़ा रेंज में. धूपगढ़ पीक जो है सिचुएटेड है सतपुड़ा रेंज में. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल? पारसनाथ हिल जो है झारखंड में प्रेजेंटली पड़ता है. और यहाँ पे जो 23वें जो जैन तीर्थंकर थे उनका जो है ये प्लेस था, यहाँ पे वर्शिप करते थे. ये पारसनाथ हिल का जो हाइट है ये 1365 मीटर है, 1365 मीटर है. आ जाते हैं माउंटेन पीक्स के ऊपर, माउंटेन पीक्स के ऊपर. वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट. ठीक है, 88,848 मीटर है, कहीं 50 कहीं 48 है. तो नेपाल में पड़ता है. ठीक है, नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट. नेपाल में आप लोग जो है आए दिन जो है चढ़ाई करते हैं इसकी. विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ? हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज बछेंद्री पाल. बार बार पूछा जाता है सवाल, एक स्टैटिक जीके का पार्ट है. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इज बछेंद्री पाल. द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज, फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन नहीं है, फर्स्ट वुमेन बोला गया है तो जुंको ताबेई. ठीक है, पहली वुमेन जो अगर पूछे तो जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली पहली इंडियन वुमेन बोले तो बछेंद्री पाल. ये वर्ल्ड में है, ये इंडिया में है. द वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, संतोष यादव. दो बार चढ़ने वाली संतोष यादव हैं. हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, ये केटू गॉडविन ऑस्टिन है. ठीक है, हाईएस्ट पीक अगर इंडिया की बात करें तो ये केटू गॉडविन ऑस्टिन है. ये आपको नॉर्थ रीजन में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के आसपास उसके ऊपर. हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा. हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कंचनजंगा. देखो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना यहाँ पे. हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज केटू गॉडविन ऑस्टिन बोल रहा है, बट ये एक्चुअली इंडिया का पार्ट नहीं है. हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है ये आपको पड़ेगा आपको कंचनजंगा सिक्किम में. सिक्किम में हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, ये नेपाल और सिक्किम दोनों में पड़ता है. इसका कुछ पार्ट नेपाल में, बहुत सारा पार्ट इसका सिक्किम में है. करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है. माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन एंड कंचनजंगा जो है करेक्ट ऑर्डर है हाइट वाइज. सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, नंबर टू पे गॉडविन ऑस्टिन, के टू कहते हैं इसको.
और नंबर थ्री पे कंचनजंगा। नंदा देवी पीक कहाँ पे लोकेटेड है? नंदा देवी पीक जो है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो नंदा देवी कहाँ से सिचुएटेड है? उत्तराखंड। नंदा देवी बायो रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? तो हम जानते हैं गुरु शिखर पीक जो है हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है ये, माउंट आबू में पड़ता है। ये अरावली सीरीज का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर पीक, राजस्थान में माउंट आबू में पड़ता है। विच गिव्स द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट से वेस्ट में करेक्ट सीक्वेंस में आपको डायरेक्शन वाइज हिमालयन पीक बताने हैं। तो ईस्ट से आओगे सबसे पहले तो नामचा बरुआ आएगा, नामचा बरुआ ईस्ट से आ रहे हो आप, ठीक है, वेस्ट की तरफ मतलब कि। फिर आता है कंचनजंगा सिक्किम में, फिर आता है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है आपको, और नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो ये कुछ मैच है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। विच माउंटेन पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया? तो जो है गोसाइंथन जो है इंडिया में नहीं है। वैसे आपको इंडिया में कंचनजंगा मिलेगा, नंदा देवी मिलेगा। विच वन पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया? तो ये है गुरला मंधाता नमचा बरवा का ये पार्ट है। करेक्ट मैच बताना है। माउंट आबू जो है ये आपका अरावली हिल्स का पार्ट है, राजस्थान में पड़ता है। कडाई कनाल जो है पलानी में पड़ता है, पलानी में, ठीक है, कडाई कनाल तमिलनाडु। एंड ऑक्टा कामुंड ये पड़ता है नीलगिरी हिल्स के बीच में। शिमला जो है धौला रेंज के बीच में पड़ता है। शिमला जो कैपिटल भी आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश का, इन विच पैट गौर लता पीक इज सिचुएटेड? ये समरी पैट में पड़ता है। इन विच पैट गौर लता पीक इज सिचुएटेड? ये समरी पैट में पड़ता है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। अगेन स्टेट ऑफ इंडिया एक तरफ है, दूसरी तरफ है हाईएस्ट पीक। तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा पीक तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है। वैसे नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी कहते हैं उसको, केरल में है। और राजस्थान का जो है हाईएस्ट पीक है माउंट आबू में पड़ता है गुरु शिखर पीक। नागालैंड का हाईएस्ट पीक है सारामती पीक। और मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ पीक, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ पीक। अब देखते हैं वैलीज़ की बात करेंगे, ठीक है। वैलीज़ क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच में ऐसे वैली बनती है, वी सेप वैली होती है, यू सेप वैली होती है। तो वैली की बात करते हैं, कुल्लू वैली जो है, कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेज ऑफ, दो माउंटेन रेंजेस है जिसके बीच की वैली को कुल्लू वैली कहते हैं। यह धौलाधार माउंटेन रेंज और पीर पंजाल जे एंड के में, ठीक है। इन विच स्टेट नीलांग वैली इज सिचुएटेड और लोकेटेड? तो नीलांग वैली है उत्तराखंड में। नीलांग वैली कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। इन विच स्टेट नीलांग वैली लोकेटेड? नीलांग वैली जो है लोकेटेड है उत्तराखंड में। अब देखते करेक्टली मैच अगेन वैली और स्टेट। मरखा वैली जो है नागालैंड में लोकेटेड है। मरखा वैली कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? नागालैंड में। जुकोऊ वैली जो है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सांगला वैली जम्मू कश्मीर में। युमथांग वैली है सिक्किम में। कंसीडर करना है आपको इन स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन नल्ला मलाई रेंज। कहाँ पे है साइलेंट वैली नेशनल पार्क? ये नल्ला मलाई रेंज में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है नल्ला मलाई रेंज में, और ये है केरल में। फिर आता है पथराकदबू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ प्रपोज टू बी बिल्ट नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बिल्कुल सही है। अच्छा पहला जो है गलत है, नल्ला मलाई में नहीं है, अन्ना मलाई में हो सकता है। द कुंथी रिवर ओरिजिनेट्स इन साइलेंट वैलीज रेन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर करेक्ट? तो दो और तीन सही है, एक गलत है। साइलेंट वैली जो है ये, तो दोस्तों ये जो साइलेंट वैली है ये नल्ला मलाई में नहीं, ये सहया रेंज में पड़ता है, सहया रेंज केरल में। इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड? तो केरल में लोकेटेड है, देखा था हमने, केरल में लोकेटेड है साइलेंट वैली, पास है सब देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर रोहतांग जो है जम्मू एंड कश्मीर रोहतांग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश, बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सेला जो है अगेन अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
पाल घाट जो है ये लोकेटेड है, कहाँ पे पाल घाट लोकेटेड है, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल के बीच में पाल घाट लोकेटेड है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में लोकेटेड है पाल घाट। करेक्ट मैच बताना है। बोमडिला पास कहाँ पे है, बोमडिला पास है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला पास वेरी फेमस सिक्किम में है, ये बार बार पूछा जाता है। भोर घाट पाल घाट, तो भोर घाट है महाराष्ट्र में पड़ता है, पाल घाट जो है बिल्कुल साउदर्न पार्ट में केरल में पड़ता है। विच इज़ नॉट अ पास इन वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस, तो ये खैबर पास, खैबर बोलन पास जो है, ये सब जो है बिल्कुल आपको नॉर्थ में मिलेगा, आपको हिमालयन रीजन में मिलेगा खैबर और बोलन पास। तो ये जो है इधर वेस्टर्न घाट में पाल घाट, थाल घाट ये सब मिलेगा, ठीक है। करेक्ट वेच बताना है सिपी किला, सिपी किला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक उत्तराखंड में पड़ता है और नेपाल से सटा हुआ है। नाथुला दर्रा पड़ता है आपको सिक्किम में, और जोजिला पास कश्मीर में पड़ता है, और ये पास की वजह से कई बार जोजिला पास की वजह से स्नोई एरिया में जम्मू कश्मीर से जो है श्रीनगर से जो है कह सकते हैं श्रीनगर और कारगिल या फिर लेह के बीच का ये जो है ब्लॉक हो जाता है, जो जिला के ब्लॉक होते हैं रास्ता ब्लॉक हो जाता है। विच रिवर वैली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व ऑफ गोंडवाना पीरियड, आंसर होगा दामोदर रिवर वैली। विच रिवर वैली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व ऑफ गोंडवाना पीरियड, आंसर होगा दामोदर रिवर वैली। विच पास लीड टू लेह, लेह जाना हो हिमाचल प्रदेश से सॉरी आपको कश्मीर से लेह आना है तो आपको जोजिला पास होके आना पड़ेगा और विंटर्स में ये ब्लॉक हो जाता है। नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो ये सिक्किम में सिचुएटेड है। नाथुला पास कहाँ पे सिचुएटेड है, सिक्किम में सिचुएटेड है दोस्तों। करेक्ट मैच बताना है। लिपू लेक उत्तराखंड में पड़ता है, नेपाल के बिल्कुल पास है। नाथुला पास जो है सिक्किम में, नाथुला दर्रा। रोहतांगला जो है ये हिमाचल प्रदेश में, पाल घाट जो है केरल में पड़ता है। विच स्टेटमेंट आर कंसर्न विथ इस्कर्स एंड ड्रमलिंस, इस्कर्स और ड्रमलिंस से रिलेटेड आपको बताना है, बीपीएससी का ये सवाल है। इस्कर्स आर रीजेज ऑफ क्रूडली बेग्ड ग्रेवल्स एंड सैंड्स, बिल्कुल सही है। ड्रमलिंस आर कॉन्स्टिट्यूटेड मोस्टली ऑफ बोल्डर्स एंड क्ले, ये भी सही है। ये सब स्नो टोपोग्राफी है। बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेन एंड इस्कर्स, ये गलत है। वाइल इस्कर्स आर बिल्ट बाई ग्लेशियर स्ट्रीम, ड्रमलिंस रिजल्ट फ्रॉम ग्लेशियर एक्शन, तो एक दो और चार सही है, तीन गलत है। एक दो चार सही है तीन गलत है। द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एलिवेशन, तो ये यांगी दीवान जो पास है ये बिल्कुल हाइएस्ट एलिवेशन पे सिचुएटेड है। द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एलिवेशन इज यांगी दीवान, इसका सही आंसर होगा। विच हिमालयन पासेज वॉज रीओपेंड अराउंड द मिडिल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सवाल फिर से सुनिएगा। विच हिमालयन पासेज वॉज रीओपेंड अराउंड द मिडिल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, आंसर होगा नाथुला दर्रा, जो कि कहाँ पड़ता है, सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में। द करेक्ट मैच आपको बताना है, माउंटेन पासेज एक तरफ है और स्टेट उनका जो है दूसरी तरफ है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है बनिहाल पास कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अब एक यूटी हो चुका है, ठीक है। नाथुला पास जो है सिक्किम में पड़ता है, नीति पास जो है उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड अभी हो चुका है, सिपिकला जो है हिमाचल प्रदेश में, सिपिकला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथुला कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, माउंटेन पास और स्टेट। बमला जो है ये पड़ता है बमला पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। जिलेपला पड़ता है सिक्किम में, मुलिंगला पड़ता है उत्तराखंड में, सिपिकला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट मैच अगेन बताना है पास और स्टेट का। माना पास जो है उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा इंडिया चीन से ट्रेड के लिए 2006 में खोला गया था, सिक्किम में पड़ता है। जोजिला पास जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है जो कि कश्मीर को लेह से जोड़ता है। सिपिकला पास जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।
पासेस और स्टेट को अगेन मैच करना है। जिलेपला जो है सिक्किम में पड़ता है, मना और नीति पास जो है, उत्तराखंड में। सिपिकला जो है ये आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। व्हाट आर किंगरी विंगरी नीति मना, ये सब पासेस है। किंगरी विंगरी नीति मना, नीति और मना तो आप जानते ही हैं कहाँ पर पड़ता है। नीति और मना, पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तरांचल में। विच पास इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, लिपू लेख। लिपू लेख जो है बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही है नेपाल के साथ। लिपू लेख इज सिचुएटेड इन उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड, ठीक है, एक ही बात है। पहले उत्तरांचल बोलते थे, उत्तराखंड बोलते हैं। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, लिपू लेख जो है उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, पालघाट जो है केरल में। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, माना पास उत्तराखंड में है, माना और नीति पास दोनों जो है उत्तराखंड में है। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर माउंटेन पासिस का, करेक्ट ऑर्डर बताना है। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं अगर हम देखेंगे भारत को, तो वेस्ट से ईस्ट देखना है। तो सिपिकला, नाथुला, बोमडिला, तो सबसे जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे ईस्ट में आएगा, ईस्टर्न हो जाएगा, तो यानी कि सबसे लास्ट में थ्री आएगा। लिपू लेख यहाँ पे है, तो बोमडिला सबसे पहले आएगा, फिर नाथुला दर्रा कहाँ पे है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, तो दूसरे नंबर पे आएगा, फिर आएगा आपका लिपू लेख यहाँ पे आएगा, और सिपिकला जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो करेक्ट मैच क्या होगा अगर आप देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट, सबसे पहले सिपिकला आएगा, फिर आएगा लिपू लेख उत्तराखंड, फिर आएगा आपको नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स अब देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर। द स्नो लाइन इन हिमालयज लाइज बिटवीन, जो हिमालय का स्नो लाइन है वो लाई करता है 4300 से लेकर 6000 मीटर के ईस्ट में, ठीक है, 4300 टू 6000 मीटर इन ईस्ट, ये स्नो लाइन है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड, सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में सिचुएटेड है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज़ सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो विच इज़ लार्जेस्ट ग्लेशियर, जो है सियाचिन है। चौराबरी ग्लेशियर इज़ लोकेटेड टुवार्ड्स, चौराबरी जो ग्लेशियर है इट इज़ लोकेटेड टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। चौराबरी ग्लेशियर जो है इट इज़ लोकेटेड टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज, हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। आज के डेट में हिमालयन ग्लेशियर जो है बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, इसका रेट जो है पिघलने का वो हाइएस्ट है वर्ल्ड में। विच ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन कुमाऊँ रीजन ऑफ उत्तराखंड, कुमाऊँ हम जानते हैं कि उत्तराखंड में पड़ता है, काली और सतलज नदी के बीच वाला जो रीजन है वो कुमाऊँ रीजन है, तो ये है मिलम रीज, मिलम ग्लेशियर। कंसीडर कीजिए पेयर्स को, ग्लेशियर एक तरफ है, दूसरी तरफ है रिवर, ओरिजिन वहाँ से हुआ है। तो यमुना नदी जो है, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदर पूंछ ग्लेशियर भी बोलते हैं इसको, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बारा सिंगरी ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ है चेनाब नदी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बहता है। मीलम ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है मंदाकिनी नदी। सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है नुब्रा रिवर, नुब्रा वैली। जेमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है मानस रिवर जो कि असम में बहता है, भूटान में बहता है मानस। तो क्या सही है बताना है, एक सही है, दो सही है और चार सही है, एक सही है, दो सही है और चार सही है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है, तीन गलत है। अब देखेंगे प्लेटू से क्वेश्चन। बसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेटू वेयर फॉर्म्ड इन विच पीरियड, बसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेटू ये जो है फॉर्म हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में, ये फॉर्म हुआ था। मेघालय प्लेटू इज पार्ट ऑफ विच पेनिनसुला, मेघालय प्लेटू जो है जनरली जो है हम सोचते हैं कि ईस्ट में है, बट ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है।
यानी कि छोटा नागपुर के पहाड़ी का ये पार्ट है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेटू। आंसर होगा भूबन हिल्स। भूबन हिल्स जो है ये मेघालयन प्लेटू का पार्ट नहीं है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया वेयर फॉर्म ड्यूरिंग, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वेयर फॉर्म ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा, ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा। वाई इज़ धनबाद मोस्ट डेंसली इन्हेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुआ था माइनिंग का, इंडस्ट्रीज़, माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुई, तो लोगों को एक काम मिल गया एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। धनबाद ज़िला जो है पड़ता है झारखंड में। अलबामा हिल, अलबामा हिल कहाँ पे लोकेटेड है? अलबामा हिल जो है इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड। अलबामा हिल कहाँ पे लोकेटेड है? अलबामा हिल लोकेटेड है साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धरवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धरवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? आंसर होगा रोहतास। रोहतास पड़ता है बिहार में। विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस, अरावली रेंज और विंध्यन रेंज के बीच में मालवा प्लेटू पड़ता है। मालवा प्लेटू अरावली और विंध्य रेंज में के बीच में पड़ता है मालवा प्लेटू। दंडकरण्या लाइज इन, दंडकरण्या जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में लाइक करता है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकरण्या इज सिचुएटेड? ए सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। कोस्टल रीजन से सवाल देखते हैं। फ्रॉम विच कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज़ मेजर्ड? चेन्नई से जो है हम लोग मीन सी लेवल ऑफ इंडिया का जो है मेजर करते हैं चेन्नई कोस्ट से। द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, तो देखिए जैसे भारत ये है यहाँ से जैसे 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो ये जो है ये होगा टेरिटोरियल वाटर, ये मतलब भारत का टेरिटोरियल वाटर होता है। ये किसी भी कंट्री का सेम ही हाल है। मान लो कि ये लेट्स से कि ये बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश के किसी भी एरिया से 12 नॉटिकल माइल जाओगे तो उसका वो टेरिटोरियल वाटर होगा। वाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया? कोस्टल लाइन जो है 7514 किलोमीटर का है हमारा, 7514, 7510 भी कहीं देता है, कहीं कहीं 7500 भी देता है। वाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया? आंसर होगा 7500 किलोमीटर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। आप देखते नहीं हो ऐसे ऐसे गुजरात का सेप है, पूरा कोस्ट लाइन है। द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया इज टोटल 9। कोस्टल स्टेट कितने हैं? टोटल 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? वो है गुजरात। गुजरात का सी कोस्ट सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन? 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका कोस्ट लाइन लगता है पानी के साथ, ओशियन के साथ। ड्यूरिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, रत्नाकरा किसको बोला गया था? रत्नाकरा जो है इंडियन ओशियन को बोला गया है एंशियंट इंडिया में, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में रत्नाकरा बोला गया है इंडियन ओशियन को। अब आता है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे। इधर देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट है, इधर देखेंगे तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये अगर पेनिनसुलर इंडिया को देखें तो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिटीज़ एंड स्टेट आपको बताना है। जंजीरा इट इज़ लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। जंजीरा जो है ये एक सिटी है लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग इट इज़ लोकेटेड इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कन्नूर इज़ लोकेटेड इन द कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल, अगेन कोस्टल एरिया है ये। नागरकोइल इट इज़ लोकेटेड इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, नागरकोइल। यू माइट सी अ फ्यू क्यूरियस डेन्स अराउंड बट दैट इज़ बिकॉज डैश यूज टू बी डेनिश आउटपोस्ट। दिस क्विंट टाउन विथ इट्स फोर्ट एंड ब्यूटिफुल चर्च, द न्यू जेरूसलम, एम्प्टी स्ट्रीट्स and deserted beachfront is a quaint gem. The place referred to in this quotation lies on the Tamil Nadu coast. The division along India's coastal region indicate what? The divisions along India's coastal regions indicate underwater relief contours. The location of above cities is as follows. Janjira jo hai, ये जो है इट इज़ लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र।
उडुपी जो है इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑरोविल जो है इट इज़ लोकेटेड इन द तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। ये है तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, कोरोमंडल कोस्ट में। तुतिकोरिन काफ़ी फेमस है, इट इज़ ए पोर्ट सिटी लोकेटेड इन ऑन साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है। दीघा जो पड़ता है ये वेस्ट बंगाल में, गोपालपुर पड़ता है उड़ीसा में, कलंगुट्टे ये एक बीच है, बहुत फेमस बीच है गोवा का, मेरीना बीच है तमिलनाडु में, चेन्नई में पड़ता है। द नेम ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो कोस्ट पड़ता है ये कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, इधर वाले कोस्ट को मालाबार कोस्ट, केरल वाले को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। विच इज ऑल्सो नोन एज केप कैमोरिन, केप कैमोरिन के नाम से हमारे जो साउदर्न मोस्ट प्लेस है कन्याकुमारी को जाना जाता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है बोल रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कोंकण कहा जाता है, ये गोवा से मुंबई के बीच पड़ता है। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय वेव्स, जो समुंदर से लहरें उठती हैं और आके टकराती हैं हमारे कोस्टल रीजन में, वो जो है इरोजन करती हैं बहुत ज़्यादा। अब देखेंगे आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल। सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। सैडल पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये है सैडल पीक। कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान में। अंडमान एंड निकोबार आर ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो है वे कहाँ के जो है, किस बे में पड़ते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, 500 से ज़्यादा इसमें आइलैंड्स हैं, ये पड़ते हैं आपको बे ऑफ बंगाल में। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को सेपरेट करता है निकोबार से। द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया इज सालसेट, जो सबसे पॉपुलस जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है वो है सालसेट। पाक स्ट्रेट जो है, पाक जल डमरू भी कहते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हम जानते हैं कि इंडिया को श्रीलंका से जो अलग करता है वो है पाक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार इज सुमात्रा, ठीक है। ग्रेट निकोबार से सबसे नज़दीक ज्योग्राफिकली जो है वो सुमात्रा है। बैरन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बैरन आइलैंड कहाँ पे है, ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में, बैरन आइलैंड। विच इज़ अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, ये है बैरन आइलैंड, एकमात्र जो है वोल्केनिक आइलैंड ये है बैरन आइलैंड। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज कोंकण, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ये वाला रीजन बोल रहे हैं, पूरा कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न कोस्ट, वो जो नॉर्दर्न है जो कि गोवा से लेकर आपके महाराष्ट्र तक पड़ता है, इसे बोलते हैं कोंकण। विच मैनग्रूव एरियाज इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, ये है कोरिंगा। विच मैनग्रूव एरिया इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी रिवर, इसका नाम है कोरिंगा। विच आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ अ वोल्केनिक ओरिजिन, ये है बैरन आइलैंड, इसमें जो है वोल्केनिक ओरिजिन से ये आइलैंड बना है। कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। सो द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज़ एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, गलत है। लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991, ये भी गलत है, तो वन ओनली सही है। श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है यहाँ पे जो है ये पुलिकट लेक के पास पड़ता है आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आइलैंड। यहाँ से कई बार आप मिसाइलों का प्रक्षेपण सुनते होंगे। द एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम धनुषकोडी, द एडम्स ब्रिज जो है ये बिगिन होता है धनुषकोडी से। अदू अटोल आर सिचुएटेड इन विच ओशियन, अदू अटोल जो है ये सिचुएटेड है इंडियन ओशियन में, अदू अटोल जो है ये सिचुएटेड है इंडियन ओशियन में।
आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी के बारे में जानेंगे। बे ऑफ बंगाल वाला देख लिया हमने, अब देख लेते हैं अरेबियन सी के वाले आइलैंड ग्रुप के बारे में। वेयर इज़ लक्षद्वीप लोकेटेड? लक्षद्वीप जो है लोकेटेड है अरेबियन सी में। कहाँ पे लोकेटेड है? इधर देखिए, आप इधर आपको बे ऑफ बंगाल है, बी ओ भी लिख देता हूँ, इधर है अरेबियन सी। तो जो लक्षद्वीप है ये यहाँ पे पड़ता है, आइलैंड ग्रुप है, छोटा सा है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का, ये अरेबियन सी में पड़ता है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया अटोल्स आर कॉमनली फाउंड? अटोल्स जो है ये पाए जाते हैं नियर लक्षद्वीप, अटोल्स। विच इज़ अ कोरल आइलैंड? पूरा जो है कोरलों ने इसे मिल के बनाया, एक स्मॉलेस्ट क्रिएचर टाइप का है कोरल। ये जो है लक्षद्वीप है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, काफ़ी छोटा है। लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट इंडिया। कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ वेस्ट इंडिया, यहाँ पर। आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ। आइलैंड जो ग्रुप है लक्षद्वीप, ये किसका एक्यूमुलेशन है? ये एक्यूमुलेशन है कोरल रीफ्स का। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? इसमें टोटल 36 आइलैंड है। लक्षद्वीप जो है इसमें टोटल 36 आइलैंड है, और सबको मिला दिया जाए तो एरिया बनता है 32 स्क्वायर किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट? आंसर होगा मिनिकॉय। विच इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? ये है रामेश्वरम। रामेश्वरम जो टापू है, आप जाना कभी यहाँ पे, आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ए लार्ज सिटी बिल्ट ऑन इंडियन आइलैंड इज मुंबई। ए लार्ज सिटी बिल्ट ऑन इंडियन आइलैंड इज मुंबई। द करेक्ट मैच ऑफ आइलैंड एंड देयर लोकेशन आपको बताना है। तो वियंत सियोधर आइलैंड जो है गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ता है। पीरम आइलैंड जो है गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसे खम्बात की खाड़ी कहते हैं। द्वारका जो है ये कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में पड़ता है। एंड दीव जो है ये कोस्ट ऑफ काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। कोरी क्रीक कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोरी क्रीक को हम जो है गंधारामी नाला भी कहते हैं। तो कोरी क्रीक जो है, सर क्रीक बोलते हैं, कोरी क्रीक कह लो, ये रण ऑफ कच्छ में पड़ता है। सर क्रिक डिस्प्यूट जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इसे हरामी नाला भी कहा जाता है। विच कोस्ट इज़ लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया? ये है खम्भात कोस्ट, खम्भात की खाड़ी जो है, यहाँ पे लार्जेस्ट जो है टाइडल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं भारत में। अब चलिए देखेंगे स्टेट यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट्स की। लातूर कहाँ पे लोकेटेड है? लातूर जो है एक जगह है महाराष्ट्र में। लातूर एक जगह है महाराष्ट्र में। विदर्भा कहाँ पे लोकेटेड है? विदर्भा इज़ लोकेटेड इन इंडिया एज एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का पार्ट है विदर्भा रीजन। द पार्ट रीजन इज़ लोकेटेड इन झारखंड। पार्ट रीजन जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? झारखंड में। झुमरी तिलैया फेमस फॉर रिक्वेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑन रेडियो इज़ लोकेटेड इन। झुमरी तिलैया जो है ये लोकेटेड है झारखंड में। झुमरी तिलैया कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है झारखंड में। विच स्टेट इज़ नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया? कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर इज़ माउंटेनियस। कैसा टोपोग्राफी है वहाँ पर? माउंटेनियस टोपोग्राफी है। सम पीपल इन मणिपुर लिव इन हाउसेज बिल्ट ऑन फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ वीड्स एंड डिकेइंग वेजिटेशन हेल्ड टुगेदर बाई सस्पेंडेड सिल्ट। दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड, इसे कहते हैं फुमड़ी, इसे कहते हैं फुमड़ी। विच स्टेट इज़ नोन एज सिलिकन स्टेट ऑफ इंडिया? कर्नाटक को कहते हैं सिलिकन स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्टली मैच सिटी और उसके स्टेट को बताना है। औरंगाबाद जो शहर, एक जिला भी है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पालनपुर पड़ता है गुजरात में, पालनपुर जब पड़ता है गुजरात में। हुबली जिला पड़ता है, ये सिटी भी है कर्नाटक में। और गुंतूर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश में मालंद मलनाद नहीं है। विच टाउन लाई इन द नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दिल्ली के आसपास पड़ता है। तो इसमें हम जानते हैं कि अंबाला जो है ये चंडीगढ़ के पास पड़ता है, तो ये नहीं है NCR का पार्ट। खुर्जा भी नहीं है, करनाल और रोहतक है, बिल्कुल ये दोनों जो है NCR का पार्ट है, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली का पार्ट। द नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के पार्ट को इंक्लूड नहीं करता है, जैसे कि अंबाला। विच स्टेट इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट द लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो।
तो लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा में है, बट इकोनॉमिकली ये वन ऑफ द टॉपेस्ट टॉप जो है स्टेट है. विच प्रोवाइड्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फोर टाउन्स सिटीज ऑन द प्रोसीड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट में देखेंगे तो बीकानेर सबसे वेस्ट में आपको मिलेगा, बीकानेर. फिर अलीगढ़ मिलेगा आपको, ये पड़ता है अलीगढ़ कहाँ पे, यूपी में. दरभंगा बिहार में पड़ेगा और नगांव जो है फर्दर ईस्ट में पड़ेगा. तो वेस्ट टू ईस्ट यही आपका मैच होगा. एज पर द एरिया व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट. एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे जो बड़ा है एरिया वाइज देखा जाए तो, पॉपुलेशन वाइज नहीं पूछ रहा, एरिया वाइज सबसे बड़ा इनमें से वैसे तो राजस्थान है, बट राजस्थान ऑप्शन में नहीं है. तो मध्य प्रदेश उसके बाद आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर आता है आंध्र प्रदेश, और बिहार का जो है एरिया ये भारत का टोटल एरिया का कुछ 2% के आसपास पड़ता है, ठीक है, 2% something. विच वन स्टेट इज़ स्मॉलेस्ट इन एरिया, दैट इज़ तमिलनाडु. तमिलनाडु कुछ ऑप्शन रहा होगा. द थ्री लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया, तो राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है, हालांकि पॉपुलेशन वाइज ये इतना बड़ा नहीं है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है. फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र. तीन लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया घटते क्रम में, सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र. अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज. एरिया वाइज यूपी देखें तो यहाँ पे आएगा 4th पोजिशन पे, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आएगा यूपी. विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज. विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, तो ये है कर्नाटका. मैक्सिमम जो है स्टेट बाउंड्री टच करने वाला है कर्नाटका. विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, तो इनमें देखा जाए तो सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़, इन ऑप्शंस में फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, और सबसे छोटा इनमें उत्तराखंड है. अरेंज करना है आपको इन इंडियन स्टेट्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरियाज. तो सबसे बड़ा है राजस्थान इनमें, फिर है महाराष्ट्र इनमें, फिर सबसे बड़ा आएगा आपको कर्नाटक, और इनमें सबसे छोटा तमिलनाडु. विच स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया, उत्तराखंड देखेंगे. कुछ स्टेट का ऑप्शन दिया होगा तो उसमें स्मॉलेस्ट उत्तराखंड रहा होगा. अबाउट 30% ऑफ इंडियाज एरिया लाइज इन थ्री स्टेट्स, वो तीन स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. ये तीन बहुत बड़े स्टेट हैं, और यूपी जो है चौथे नंबर पर आता है एरिया के टर्म्स में. इन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड 12th लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया इज़ बिहार. तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से आफ्टर यूपी एंड महाराष्ट्र के बाद, और एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे 12वां सबसे बड़ा बिहार है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब का बॉर्डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है. राजस्थान का बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ बिल्कुल लगता है. आप जाओगे उधर तो भरतपुर वाले एरिया से आगे जाओगे तो राजस्थान शुरू हो जाता है. छत्तीसगढ़ का भी एरिया लगता है और झारखंड का भी एरिया लगता है. तो 2, 3, 4 सही आंसर होगा. हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज सराउंड द स्टेट ऑफ असम. हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज सराउंड द स्टेट ऑफ असम, आंसर होगा टोटल सात. छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है बिहार के साथ नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर लगता है इधर नेपाल, इधर लगता है झारखंड, इधर लगता है वेस्ट बंगाल, और इधर लगता है यूपी. विथ रेफरेंस टू इंडिया छत्तीसगढ़ कम्स अंडर विच जियोमोर्फोलॉजिकल रीजन. विथ रेफरेंस टू इंडिया छत्तीसगढ़ कम्स अंडर विच जियोमोर्फोलॉजिकल रीजन, तो ये पेनिनसुलर अपलैंड का पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द राजस्थान डेजर्ट. राजस्थान डेजर्ट से रिलेटेड आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, आपको कोड यूज़ करना है इसके लिए. तो देखिए ये सभी सही है, एक्चुअली पढ़ देता हूँ मैं. इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है. डेजर्ट में इन जनरली वर्ल्ड में आप जाओगे तो पॉपुलेशन आपको बहुत कम मिलेगा, बट राजस्थान के डेजर्टी एरिया में आपको पॉपुलेशन फिर भी मिल जाता है ठीक ठाक, जो कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट बनाता है इसको दुनिया का. इट इज़ अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड, मेनली कॉज्ड बाई एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस. हियर ओनली 40-60% ऑफ द एरिया इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, ये भी बात सही है.
द इंक्रीज इन नेट सोन एरिया हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द कवरेज ऑफ ग्रेजिंग लैंड। तो चारों बातें सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, पार्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किस स्टेट के बारे में बोला गया है ये आपको बताना है। तो ये स्टेट के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश के बारे में बातें हो रही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है और राजस्थान यहाँ पे है, तो सेम लैटिट्यूड के आसपास पड़ता है ये। ठीक है, नॉर्दर्न राजस्थान वाला। इट हैज़ ओवर 80% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, ये भी बात सही है। 80% से ज़्यादा यहाँ पे जो है एरिया फॉरेस्ट कवर है। ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट। ये बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इन विच स्टेट सुंदरवन मैनग्रोव, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, सुंदरवन मैनग्रोव जो है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़िले हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। कच्छ जो है सबसे बड़ा है, अगर एरिया वाइज देखा जाए डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज कच्छ। फिर आता है लद्दाख। सोनभद्रा, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इज़ टच्ड बाई, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट जो है ये चार स्टेट की बाउंड्री से लगता है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का डिस्ट्रिक्ट है और चार स्टेट की बाउंड्री लगती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स बॉर्डर्स द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश की बॉर्डर लगती है, कर्नाटका की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है और छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर लगता है तेलंगाना के साथ। करेक्ट मैच आपको बताना है। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल और नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। ठीक है, द कैपिटल ऑफ गुजरात इज़, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ईटानगर कहाँ की कैपिटल है, ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। स्टेट और कैपिटल को मैच करना है, असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मिजोरम की राजधानी है आइजवाल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को और करेक्ट जो है आंसर आपको चूज करना है। एसर्शन और रीजन वाला सवाल है। देर इज़ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शेड्यूल एस सी कास्ट कम है, एस टी कास्ट ज़्यादा है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो दोनों बातें सही हैं बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है स्मॉल एरिया होने से एस सी का उस पार्टिकुलर एरिया में कल्टीवेशन से रिलेटेड। अब देखेंगे यूनियन टेरेटरीज। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया। तो करेंटली जो है 8 है टोटल, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव सबको मिला दिया गया है और जे एंड के भी एक यूटी बन गया है, लद्दाख भी यूटी बन गया। तो टोटल जो है 8 हैं अभी। द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, यह है लक्षद्वीप, सबसे छोटा 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। द टेरेटरी ऑफ पुडुचेरी लाइज डिवाइडेड इन स्टेट्स ऑफ, देखिए पुडुचेरी जो है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तीनों में इसका जो है पार्ट है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव से रिलेटेड है कि पहला है इट वॉज अंडर ब्रिटिश पोसेशन, नहीं ब्रिटिश पोजिशन में नहीं था आफ्टर इंडिपेंडेंस। गल्फ ऑफ खम्बात इज़ लोकेटेड बिटवीन दमन एंड दीव, बिल्कुल सही है। इट्स कैपिटल इज दमन, तो ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। दमन एंड दीव जो था ये ब्रिटिशर्स का पार्ट नहीं था। करेक्ट मैच बताना है यूनियन टेरिटरी और सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के हिसाब से। पौंडीचेरी का सबसे ज़्यादा एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जहाँ पे 1000 से ज़्यादा जो था सेक्स रेशियो था, 1000 मेल पे 1037 महिलाएँ। लक्षद्वीप का जो है सेक्स रेशियो दूसरा सबसे अच्छा है, इसका सेक्स रेशियो है 947। अंडमान निकोबार का उतना अच्छा नहीं, 876। दिल्ली का और ख़राब है, चंडीगढ़ का 818, दादर नागर हवेली का 714, दमन एंड दीव का
स्पेसीज एंड ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। एक तरफ है ट्राइब लिस्ट वन में, लिस्ट टू में लोकेशन। तो जरावाज ट्राइब जो है अंडमान एंड निकोबार के हैं। जरावाज ट्राइब कहाँ के हैं? ये अंडमान एंड निकोबार के। कुकी ट्राइब, काफ़ी आप आजकल विवाद सुना होगा आपने कुकी और मेतेई ट्राइब का मणिपुर में। थारूज ट्राइब जो हैं ये हैं उत्तर प्रदेश के। गोंड ट्राइब जो हैं मध्य प्रदेश के हैं। दे आर पीपल ऑफ येल्लो कॉम्प्लेक्शन, ऑब्लिक आइज, हाई चिक बोन्स, स्पार्स हेयर एंड मीडियम हाइट। दिस इज द रेफरेंस विच इज़ गिवन टू मंगोलाइट्स। मंगोलाइट्स के लिए दिया गया है, जो आप देखते हैं ना नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को मंगोलाइट्स हैं वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG इन इंडिया। तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, इट रेसाइड इन 18 स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरेटरी। द स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप स्टेटस। ये भी बात सही है। देर आर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। इनकी संख्या जो है ये गलत नंबर दिया हुआ है। इरुलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTG। 1, 2 and 4 सही है, 3 गलत है। विच रेशियल ग्रुप्स इज फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? विच रेशियल ग्रुप्स इज फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? आंसर होगा मंगोलाइट्स। ये मंगोलाइट्स ही हैं, ठीक है, जो जिसका डिस्क्रिप्शन भी बताया था। विच ट्राइब ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस? आंसर होगा संथाल ट्राइब, जो कि आपको झारखंड में अभी प्रेजेंट डे मिलता है। द ओनली एंथ्रोपोइड एप टू बी फाउंड इन इंडिया इज वाइट ब्रोड गिब्बन ऑफ असम। द ओनली एंथ्रोपोइड एप टू बी फाउंड इन इंडिया इज द वाइट ब्रोड गिब्बन ऑफ असम। द द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फर्म्ड कन्फाइंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया? तो ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। विच स्टेट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी? हरियाणा में बिल्कुल 0 ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है ही नहीं हरियाणा में। थारू ट्राइब कहाँ की है? ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ट्राइब है। थारू ट्राइब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। इन उत्तर प्रदेश विच ट्राइब सेलिब्रेट्स दिवाली एज ए सौरो? थारू ट्राइब जो है दिवाली को सौरो की तरह मनाते हैं, दुख की तरीके से मनाते हैं। जहाँ पे पूरा भारत इसको सेलिब्रेट करता है, वहीं पे थारू ट्राइब जो है इसको सौरो की तरह मनाता है। लिंबू ट्राइब जो है ये सिक्किम के ट्राइब है। कर्बी ट्राइब जो है ये हिमाचल प्रदेश का ट्राइब है। डोंगारिया कोंड जो ट्राइब है ये उड़ीसा का ट्राइब है। बोंडा ट्राइब तमिलनाडु का ट्राइब है। तो इसमें जो सही मतलब ये दिया है, बट सही जो है 1 and 3 है, यानी कि लिंबू जो है सिक्किम का है, ठीक है, और डोंगारिया कोंड जो है उड़ीसा के, बाकी सब गलत है। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधार रेंज? धौलाधार रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश के आसपास पड़ता है, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब है वो है गड्डी ट्राइब। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधार रेंज? ये है गड्डी ट्राइब, ठीक है। गड्डीज़ आर इन्हेबिटेंट ऑफ, कहाँ के इन्हेबिटेंट है गड्डीज़? तो गड्डीज़ जो है इन्हेबिटेंट है हिमाचल प्रदेश के। गड्डीज़ जो है कहाँ के इन्हेबिटेंट है? ये इन्हेबिटेंट है हिमाचल प्रदेश के। संथाल आर इन्हेबिटेंट ऑफ, संथाल जो है ये ईस्टर्न इंडिया यानी कि झारखंड में भी प्रेजेंट डे पाए जाते हैं। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज एमंग संथाल इज, इसे कहा जाता है बुपला। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज एमंग संथाल इज बुपला कहा जाता है। ट्रांस ह्यूमेंस इज प्रैक्टिस्ड बाई, या फिर जिसे हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमेंस जो है, ये भोटिया ट्राइब, घुमंतु भोटिया जिसे कहा गया है। बोडोज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ गारो हिल। बोडो कहाँ पे रहते हैं? बोडो रहते हैं गारो हिल्स में। गारो खसी और जयंतिया हिल्स जो है मेघालय का पार्ट है। खसी एंड गारो लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन इज फाउंड इन, ये मेघालय में भी पाया जाता है, असम में भी और मिजोरम में भी ये भाषा बोलने वाले ट्राइब्स पॉपुलेशन पाए जाते हैं, खसी एंड गारो। विच ट्राइब इज़ फाउंड इन केरल? तो चेंचू ट्राइब जो है केरल में पाया जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? गोंड ट्राइब जो है लार्जेस्ट ट्राइब है भारत में। टोडा ट्राइब जो है कहाँ का निवासी है? टोडा ट्राइब जो है नीलगिरी हिल्स का निवासी है। टोडा ट्राइब जो है कहाँ का निवासी है? टोडा ट्राइब जो है नीलगिरी हिल्स का निवासी है।
विच रीजन इज़ द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब? तो टोडा ट्राइब का जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो नीलगिरी हिल्स ही है, नीलगिरी हिल्स। इन विच स्टेट्स पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज़ लार्जेस्ट इन द कंट्री इन 2011? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो नहीं बट नंबर वाइज सबसे ज़्यादा है। विच ट्राइब प्रैक्टिस पॉलीएंड्री, मतलब कि एक से ज़्यादा शादी करते हैं, ये टोडा ट्राइब है। वन ऑफ द ट्राइब विच सेलिब्रेट्स सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल मनाता है मुंडा ट्राइब, मुंडा ट्राइब जो कि आपको रांची वाला रीजन जो है उधर बिरसा मुंडा इससे रिलेटेड थे। विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द सरहुल फेस्टिवल? उरांव ट्राइब ही मनाता है, उरांव जिन्हें मुंडा ट्राइब से जोड़ा जाता है, दोनों एक ही जैसे। द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उत्तरांचल, उत्तरांचल का लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है थारू ट्राइब जो कि यूपी में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। इन विच प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़? तो बाइगा ट्राइब का जो है ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ट्राइब्स एंड देयर पॉपुलेशन इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स इज एज फॉलो। भोटिया ट्राइब जो है ये 5196 है यूपी में। खसी ट्राइब की संख्या जो है 14,11,775 है मेघालय में। टोडा ट्राइब 2002 है टोटल तमिलनाडु में। संथाल जो है 27,54,753 है झारखंड में। करेक्टली मैच आपको बताना है। बीहू जो है ये आसाम का फेस्टिवल है। ओनम जो है ये केरल में मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है 13 अप्रैल के आसपास। गारो हिल्स में जो है ये हिल जो है लोकेटेड है मेघालय में। मिरी हिल है अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई मलाई जो है ये हिल सिचुएटेड है तमिलनाडु में। डलमा हिल जो है ये लोकेटेड है झारखंड में। करेक्टली मैच आपको बताना है। स्टेट और मेन लैंग्वेज, गोवा में बोला जाता है मेनली कोंकणी। मेघालय में खसी लैंग्वेज जो है ज़्यादा बोला जाता है। नागालैंड में अंगामी लैंग्वेज ज़्यादा बोला जाता है। सिक्किम में बोला जाता है भूटिया लैंग्वेज सबसे ज़्यादा। वेयर इज़ भील ट्राइब फाउंडेड? भील ट्राइब जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भील ट्राइब सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। विच ट्राइब ऑफ इंडिया प्रैक्टिस पॉलीएंड्री? तो ये जो है ये है जौनसारीज और टोडास, ये पॉलीएंड्री करते हैं, एक से ज़्यादा शादी करते हैं, पॉलीएंड्री। ट्राइब और स्टेट बताना है आपको। संथाल्स जो है झारखंड में पाए जाते हैं। भील जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। टोडा ट्राइब तमिलनाडु का है। जरावात जो है अंडमान एंड निकोबार का। और एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस ट्राइब का है भारत में, तो वो है भील का ही। अब करेक्टली मैच अगेन बताना है। तो भील ट्राइब सबसे ज़्यादा राजस्थान पाए जाते हैं। संथाल जो है झारखंड में पाए जाते हैं। राजी ट्राइब जो है ये उत्तराखंड में। और लेपचा ट्राइब जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। अगेन ट्राइब और रीजन बताना है। बिरहोर ट्राइब झारखंड में पाए जाते हैं, बिरहोर ट्राइब। भूटिया ट्राइब जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। और टोडा ट्राइब तमिलनाडु में पाए जाते हैं। टोडा ट्राइब पॉलीएंड्री करते हैं। सेंटिनिलीज, इनका अभी रिसेंट एक केस भी आया था जिसमें एक बंदे को इन्होंने मार दिया था, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। ट्राइब और स्टेट बताना है आपको। अगेन गड्डी ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। टोडास जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। खसीस जो है मेघालय में पाए जाते हैं। नागा ट्राइब जो है मणिपुर में पाए जाते हैं। करेक्टली मैच बताना है। टोडा ट्राइब तमिलनाडु में, लेपचा ट्राइब सिक्किम में, बिरहोर ट्राइब जो है झारखंड में पाए जाते हैं, और गारो ट्राइब जो है गारो खस्सी जयंतिया ये सब मेघालय में। वेयर डू सहरिया ट्राइबल हु वेयर इन न्यूज लाइव लिव? तो सहरिया ट्राइबल जो रहते हैं राजस्थान में रहते हैं। अगेन करेक्टली मैच बताना है। जौनसारी ट्राइब जो है उत्तराखंड के निवासी हैं। संथाल ट्राइब जो है झारखंड के निवासी हैं। भील ट्राइब जो है मध्य प्रदेश के निवासी हैं। और लेपचा ट्राइब जो है सिक्किम के निवासी हैं। करेक्टली मैच अगेन बताना है। थारू ट्राइब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों। भील ट्राइब सबसे बड़ी कम्युनिटी है ट्राइबल में राजस्थान में। गड्डी ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश में। मुंडा ट्राइब जो है झारखंड में, रांची वाला जो रीजन है। करेक्टली मैच आपको बताना है। ट्राइब और उनके डिस्ट्रिक्ट, पहाड़ी कोरबा झासपुर जिले में पाए जाते हैं। बैगा ट्राइब जो है मंडला जिले में पाए जाते हैं, बैगा मंडला में, ठीक है छत्तीसगढ़ में। मारिया जो है पटलकोट छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। और सहरिया ट्राइब जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर में पाए जाते हैं। करेक्टली मैच बताना है आपको। मोपला ट्राइब जो है केरल का ट्राइब है, मालाबार कोस्ट में पाए जाते हैं। मुरियास जो है छत्तीसगढ़ के ट्राइब है।
टूडाज हमने देखा था तमिलनाडु के, और मुंडाज जो है झारखंड के मेनली है, ठीक है, उड़ीसा भी दिया हुआ है इसमें। हु इज़ टैटू मेकर और गोदना मेकर शेड्यूल ट्राइब, ये है ओझा। ओझा ट्राइब जो है ये टैटू बनाता है, गोदना गोदता है, ओझा ट्राइब। With reference to Changpa community of India, consider the following statement. So, पहला statement कहता है कि Changpa community जो है, they live mainly in the state of Uttarakhand. गलत, क्योंकि उत्तराखंड में आपको थारू मिल जाएगा, Changpa mainly नहीं मिलेगा। They rear पश्मीना goat, ये पश्मीना goat जो है आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। दे आर केप्ट इन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल ट्राइब, दो और तीन सही है, एक गलत है। असम में मीरी ट्राइब रहता है, नागालैंड में कोनेयक ट्राइब रहता है, अरुणाचल प्रदेश में अपटानी ट्राइब रहता है, राजस्थान में लंबादा ट्राइब रहता है, असम में रहता है मीरी ट्राइब, नागालैंड में रहता है कोनेयक ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश में रहता है अपातानी ट्राइब, राजस्थान में रहता है लंबादा ट्राइब। शेरपा नेपाल के ट्राइबल ग्रुप को कहा जाता है शेरपा, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जब चढ़ाई की बात आती है एवरेस्ट ओवरेस्ट पहाड़ों में। थारू ट्राइब जो है झारखंड का, उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का ट्राइब है। टोडा ट्राइब साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। जूलू ट्राइब भी साउथ, जूलू है जो साउथ अफ्रीका में रहता है। छिंदवाड़ा में रहता है भरिया ट्राइब, मंडाला में गोंड रहता है, झबुआ में भील ट्राइब रहता है, और शिवपुरी में सहरिया ट्राइब रहता है। Which tribe is not native to Andaman and Nicobar Island of India? ये है रेंगमा ट्राइब। रेंगमा ट्राइब जो है नेटिव नहीं है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। In which tribe traditionally their livelihood is based on the bamboo? आंसर होगा कमार ट्राइब। In which tribe traditionally their livelihood is based on bamboo? Which tribe worships Lohasur as their deity? Which tribe worships Lohasur as their deity? Answer होगा अगरिया tribe. In which one of the following places is Sompen tribe found? Answer होगा Nicobar Island. Bilama dance is performed by which tribe? ये Baiga tribe के द्वारा perform किया जाता है Bilama dance is performed by which tribe? Answer होगा Baiga tribe. In which union territory do the people of Ong tribe live? In which union territory do the people of Ong tribe live? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहते हैं। Where do the people of Jarawa tribe who were in news recently reside? ये अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं। Jarawa tribe is found in Mizoram. Jarawa tribe कहाँ पे पाए जाते हैं? मिजोरम पाए जाते हैं। In which of the following state or union territories the Jarawa tribe resides? ये अंडमान एंड निकोबार में भी पाए जाते हैं। गहीरा गुरु बिलोंग टू विच ट्राइब? कांवर ट्राइब। द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया इज जरावास। हु इज प्रिमिटिव ट्राइब? कोरवा इज ऑल्सो प्रिमिटिव ट्राइब। द तमारिया ट्राइब आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। तमारिया ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ए कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगानियार्स इज वेल नोन फॉर देयर म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ए कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगानियार्स इज वेल नोन फॉर देयर म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। झूमिंग इज प्रैक्टिस बाई, झूमिंग एक जो है कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन से रिलेटेड है, झूम कल्टिवेशन भी बोलते हैं। ये खसी ट्राइब मेघालय का करता है। एंडी एंड ओपोटिपी फॉर्म्स ऑफ मैरिज, अंडी एंड ओपोटिपी फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर रिलेटेड टू विच ट्राइब? ये हो ट्राइब्स को बिलोंग करता है। इन विच ट्राइब द किचन कॉल्ड लाल बंगला इज फाउंड? इन विच ट्राइब द किचन कॉल्ड लाल बंगला इज फाउंड? ये भुंजिया ट्राइब में पाया जाता है। काथी इज अ फोक डांस, कथी जो है क्या है? काथी जो है फोक डांस है, करेक्टली मैच बताना है आपको। भील ट्राइब राजस्थान में पाया जाता है। गोंड ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लिम्बूज जो है पाए जाते हैं सिक्किम में। कोनियक ट्राइब जो है पाया जाता है नागालैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच आपको बताना है। तो ट्राइब जो है अंगामिस ये नागालैंड में पाए जाते हैं, बिरहोर्स झारखंड में पाए जाते हैं, खास पाए जाते हैं उत्तराखंड में, टोडास पाए जाते हैं तमिलनाडु में। वेयर डज टोडा ट्राइब मेनली रहता है तमिलनाडु में। भरमौर ट्राइबल रीजन जो है लोकेटेड है कहाँ पे?
हिमाचल प्रदेश में, भरमौर ट्राइबल रीजन जो है लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। अब देखेंगे लैंग्वेजेस के बारे में। विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो एंड कुई पर्टेन टू व्हाट, ये सब जो है ट्राइबल लैंग्वेजेस है। हल्बी हो गया, हो गया, कुई हो गया, ये सब जो है ट्राइबल लैंग्वेजेस है। मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन इंडिया इज बंगाली। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा भारत में वो है बंगाली। विच ऑफ द लैंग्वेज वॉज गिवेन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014, तो उड़िया को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था 2014 में। विच लैंग्वेज बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिक ग्रुप, तो खसी लैंग्वेज जो है ये ऑस्ट्रिक ग्रुप से बिलोंग करता है। विच इज़ द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, इंडो आर्यन जो है ये लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है भारत के, इंडो आर्यन। विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन वर्ल्ड आफ्टर हिंदी, बंगाली जो है हिंदी के बाद एक ऐसा भाषा है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। चलिए अब आएंगे हम ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। सो द गंगा रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ये एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न है जिसे हम पेरिनियल भी कहते हैं, यानी कि इसमें सदाबहारी यानी कि पानी हमेशा भरा रहता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा, भारत की सबसे बड़ी नदी लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। रिवर गंगा आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाई विच नेम, तो इसे बांग्लादेश में घुसते ही पद्मा कहते हैं, पद्मा कहा जाता है। ठीक है, रिवर गंगा को जैसे बांग्लादेश में घुसती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। विथ रेफरेंस टू रिवर तिस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, द सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। बात सही है, बिल्कुल सही है। जो रिवर तिस्ता है ये एक्चुअली विवाद का भी इशू है। ठीक है, ये जो है तीस्ता नदी जो है सिक्किम में नहीं, ये बेसिकली तीस्ता नदी जो है बांग्लादेश में जाके गिरती है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता, ये बात सही है बिल्कुल। रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, तो दो सही है, बाकी ये दोनों गलत है। मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा जो है इट इज़ ए सब डिवीज़न ऑफ विच डेल्टा, तो बंगाल डेल्टा का ही सब डिवीज़न है मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा इज सब डिवीज़न ऑफ विच डेल्टा, आंसर होगा बंगाल डेल्टा। इंडिया एंड एशियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे खोला गया है, जिसका नाम है NDRC नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज़ बींग सेटअप ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ये पटना में खोला जा रहा है। सुंदरबन का डेल्टा जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दोनों के मिलने से वहाँ पे जो सिल्ट जमा होता है वो डेल्टा बनाता है और उस डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। एसर्सन और रीजन वाला सवाल है। गंगा इज़ द हाईली पॉल्यूटेड रिवर, ये बात सही है, बहुत पॉल्यूटेड है, सफाई चल रहा है नमामि गंगे। रीजन देखिए, द होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज़, ये गलत है। होलियर का मतलब ये नहीं होगा कि सब पॉल्यूटेड ही होगा, बट एक अच्छी रख रखाव इसकी नहीं हुई है। द डेप्थ ऑफ गैंगेटिक एलुवियल सॉयल बिलो द लैंड सर्फेस इज अबाउट 6000 meters, द डेप्थ ऑफ गैंगेटिक एलुवियल सॉयल बिलो लैंड सर्फेस इज अबाउट 6000 meters। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाई यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। देवप्रयाग जो है इट इज़ लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा देखिए, रुद्रप्रयाग कहाँ पर बनता है, ये मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा जो है बद्रीनाथ से फ्लो होती है, ये भी बात सही है। केदारनाथ इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट सीट इस्टेब्लिश बाई आदि शंकराचार्य, ये गलत है। बाकी तीन सही है, एक चौथा जो है गलत है। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा रिवर कहाँ पर मिलते हैं, मिलते हैं देवप्रयाग में। With which ड्रेनेज सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड, मंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपको बताना है। नेचुरल डिजास्टर्स कॉज मैक्सिमम ड्रेनेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल सही है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज मैन मेड, ये भी सही है। इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो चाहे वोल्केनो हो। मैनग्रूव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, ये बात बिल्कुल सही है। जो बे ऑफ बंगाल्स में जो साइक्लोन ओरिजिनेट होकर इधर आते हैं उससे मैनग्रूव काफ़ी ज़रा उसका इफेक्ट जो है रोक लेता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग. इस रिवर का नाम है जो कि केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहता है, इसका नाम है मंदाकिनी रिवर. अलॉन्ग विच रिवर्स बैंक द फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ नाथ इज लोकेटेड. ये अलकनंदा रिवर के बैंक पे बसा हुआ है बद्रीनाथ. अलकनंदा रिवर के बैंक पे बसा हुआ है बद्रीनाथ. द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज गंगा. ठीक है, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज गंगा. द भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर. भागीरथी जो रिवर है ओरिजिनेट होता है गोमुख ग्लेशियर से. द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन प्लेन्स इज गोमती. गोमती नदी ऐसी है जो कि प्लेन से राइज होती है और ट्रिब्यूटरी बनती है गंगा की. लखनऊ शहर जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है. इफ़ देयर वेर नो हिमालयन रेंजेस वाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया. तो क्या होता भारत में जो साइबेरियन वेव है, भारत के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रियों को साइबेरियन जो कि कोल्ड वेव है जो कि साइबेरिया रसिया वाले के आसपास से रीजन से आता है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें ठंड पैदा कर देता, हमारा टेम्परेचर काफ़ी डाउन मिलता. इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉयल. बिल्कुल, क्योंकि बारिश का पैटर्न खत्म हो जाता. द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट इट इज़ प्रेजेंट. तो तीनों बातें सही हैं. यमुना बिकम्स ए डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर. दिल्ली और आगरा के बीच में एक डेड रिवर बन जाती है, बात सही है. एंड रीजन में कह रहा है कि यमुना इज़ नॉन पेरिनियल रिवर, तो ये ऐसी बात नहीं है. यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है बंदरपूछ के आसपास से, तो ये तो जो है गलत है कि ये पेरिनियल रिवर नहीं है. ए ट्रू है, सदाबहारी नदी तो है यमुना. द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूछ. कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बंदरपूछ से. कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम वेस्ट टू ईस्ट. तो वेस्ट टू ईस्ट से देखें, अगर यमुना नदी ऐसे बहती है, ऐसे उतरती है, फिर आके ऐसे आके ऐसे बहती है, तो वेस्ट टू ईस्ट से देखें तो सबसे पहले वेस्ट में आएगा चंबल नदी, फिर आएगा आपको सिंध नदी, फिर आएगा आपको बेतवा, फिर आएगा केन. केन और बेतवा, ये 4-3-1-2 जो है करेक्ट मैच होगा. द रिवर डज नॉट फॉल इन टू रिवर यमुना इज सोन. सोन नदी जो है ये मिलती है, ये ट्रिब्यूटरी बनती है गंगा के साथ, गंगा के साथ, यमुना के साथ नहीं बनती. विच रिवर डज नॉट ज्वाइन द रिवर चंबल. बेतवा नदी जो है चंबल से ज्वाइन नहीं होती. बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बिंध्यन हिल्स. कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बिंध्यन हिल्स से. बेतवा नदी जो है बिंध्यन हिल्स से ओरिजिनेट होता है. विच रिवर वैली, विच वैली रिवर इज नोन टू डीप रेवीन्स. आंसर होगा चंबल. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रेवीन्स ऐसे 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 बने हुए हैं, तो जो है चंबल के रेवीन्स में ही जो है बहुत सारा डाकू रहता था. कंपेयर द हिमालयन रिवर विथ द पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपेरिजन. तो हिमालयन जो रिवर है वो पेरेनियल नेचर का होता है, सदाबहारी होता है, हमेशा पानी रहता है इसमें. जबकि जो पेनिनसुलर रिवर होता है वो रेन फेड होता है. जब बारिश होगा तो पानी होगा, बारिश नहीं होगा तो पानी खत्म हो जाएगा. द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर. ये भी बात सही है. जो हिमालयन रिवर होते पहाड़ों से उतरते हैं तो स्टीप डिक्लाइन करते हैं, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं वो उनका स्लोप जो है स्टीप नहीं होता. द पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन ऑन इट्स वे इन कंपेरिजन टू हिमालयन रीजन. तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है पेनिनसुलर रीजन जो है वो कम रिवर जो है कम इरोड करते हैं, क्योंकि इनका डिक्लाइन जो है स्टीप नहीं है. ठीक है, ग्रेडियंट स्टीप नहीं है तो कम काटती हैं ये, इरोजन काफ़ी कम करती हैं. जबकि जो सदाबहारी नदियाँ हैं हिमालयन रिवर, वो बहुत ज़्यादा स्टीपली उतरती है, तो बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी सिल्ट काट के लाती हैं. तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है. बेतवा रिवर ज्वाइंस कहाँ पे ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है? ये यमुना नदी को ज्वाइन करता है. इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्री. तो ब्रुनेई के साथ जो है इंडोनेशिया का लैंड बाउंड्री नहीं लगता है. विच ट्रिब्यूटी ऑफ गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड्स. विच ट्रिब्यूटी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड, ये है सोन नदी, ये नॉर्थवर्ड बहती है और जाके गंगा में पटना के पास पहलेजा घाट में मिलती है. विच रेंज एक्ट्स एज द वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन, ये है कैमूर रेंज. सोन और यमुना नदी के बीच में कैमूर रेंज आ जाता है, तो यमुना का और सोन का नदी बट जाता है. विच रिवर ज्वाइंस गंगा एट फतुहा. पुनपुन नदी जो है गंगा को फतुहा में ज्वाइन करती है, साउथ से, बिहार के साउदर्न पार्ट से आती है पुनपुन नदी, समवेयर यहाँ से पुनपुन. नेक्स्ट है विच रिवर इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन. आंसर होगा जोंक रिवर. जोंक रिवर. चलिए दोस्तों, अब कवर करते हैं ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम को. सो पहला पॉइंट कहता है कि द ब्रह्मपुत्र ईरावदी एंड मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट इन तिब्बत नैरो एंड फ्लो इन पैरेलल माउंटेन.
ranges in their upper reaches. Of these rivers, Brahmaputra makes U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to what? तो होता क्या है कि हम जानते हैं, इन सब को छोड़िए, इरावदी में कौन को छोड़िए, ये तीनों पैरेलली निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं पैरेलली तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं पैरेलली ज़रूर, लेकिन हमें पता करना है कि भाई क्यों जो है ब्रह्मपुत्र आके यू टर्न लेती है, मतलब तिब्बत तो यहाँ पे है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर ऐसे पैरेलली बहती हैं, लेकिन यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र ऐसे क्यों यू टर्न लेके भारत में आ जाती है? तो इसका कारण ये है कि सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयन रेंज जो है वहाँ पे है, तो इस वजह से जब वही बेंड है तो वहाँ पे नदी भी तो मुड़ेगी, तो इस वजह से ये यू टर्न ले लेती है और हमारे अरुणाचल प्रदेश में ये घुस जाती है। इन इंडिया यारलुंग जांगबो रिवर इज़ नोन एज, भारत में यारलुंग जांगबो रिवर को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, यारलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए कुछ और रिवर्स है, जैसे कि बराक, जैसे कि लोहित और जैसे कि सुबनसिरी, विच ऑफ द एवव फ्लो और फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें से जो है लोहित और सुबनसिरी नदियां जो है अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, लोहित और सुबनसिरी जो नदियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। मानस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज़, जो कैचमेंट एरिया है रिवर ब्रह्मपुत्र का वो है तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया, तीनों में बहते हुए आती है, तिब्बत से तो ओरिजिनेट ही होती है, बांग्लादेश में जाके मिलती है और इंडिया में तो बहती ही है, तो तीनों है कैचमेंट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी लोहित भी है, ठीक है, कामेंग भी है और दिबांग भी है, दिबांग और दिहांग दो नदियाँ आके जो है वहाँ पे मिलती है जब ये घुसती है भारत में, तो 1, 2, 3 सभी सही है। विच रिवर हैव ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग, ब्रह्मपुत्र और इंडस का सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग है, बट ब्रह्मपुत्र जो है इधर आ जाती है, मतलब कि ऐसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से दोनों ओरिजिनेट होती है, तो ये इधर को चली जाती है, इंडस है ये, और ब्रह्मपुत्र ऐसे आके ऐसे होकर घुसती है, तो एक आपको वेस्ट में चली जाती है, एक ईस्ट में आती है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल इज एसर्शन और दूसरा रीजन का है, तो एसर्शन और रीजन वाला सवाल है आपको बताना है। एसर्शन कहता है कि तीस्ता नदी जो है, तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तीस्ता जो है पहले जो है ट्रिब्यूटरी गंगा की हुआ करती थी, अभी जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। रीजन क्या है, रिवर कैप्चरिंग इज़ अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स, ठीक है, दोनों बातें सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। अब देखेंगे साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में, एसर्सन कहता है कि द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म द डेल्टा, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है, ऐसा है क्या? तो वेस्टर्न घाट की नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, ईस्टर्न घाट की नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं। रीजन क्या है, दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्सेस विद द हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक्स, इसलिए क्या है ये बहुत ज़्यादा जो है हार्ड रॉक के होने की वजह से बहुत ज़्यादा सिल्ट तो मुहाने पे लाती नहीं है, तो डेल्टा कैसे बनाएंगी? तो दोनों जो है करेक्ट है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। एसर्शन और रीजन वाला सवाल है, एसर्शन कहता है कि वाइल ऑल मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू अरेबियन सी, ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो कि वेस्ट में फ़्लो करती हैं और जाके अरेबियन सी में गिर जाती हैं, नर्मदा और तापी नदियाँ, बाकी जितनी भी नदियाँ हैं पेनिनसुलर इंडिया की वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो नर्मदा और तापी नदियाँ जो है वो फ़्लो करती हैं रिफ्ट वैली से फ़्लो करती हैं और उनका कोर्स ही ऐसा है कि वो जाके अरेबियन सी में गिरती हैं, ना कि बे ऑफ बंगाल में, तो दोनों सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। विच इज़ एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन नदी, सोन नदी का एक्चुअल सोर्स है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है और वहाँ से आते हुए ये आके फाइनली जो है पटना के पास में जो है ये गंगा से आके मिल जाती है। अगला सवाल कहता है कि द नर्मदा रिवर फ्लोज इन वेस्ट, नर्मदा नदी जो है फ्लो करती है वेस्ट में,
वाइल मोस्ट ऑफ द लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट. वाई? नर्मदा और तापी जो है दो नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, वेस्ट फ्लो करती हैं इसीलिए. बिकॉज इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली. बिल्कुल सही है, इसका एक जो वैली होता है वो लीनियर रिफ्ट वैली है और ऐसा वैली है कि उसको ईस्ट में जाने ही नहीं देता है. दूसरा, इट फ्लोज बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा. गलत. ठीक है, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया. ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, खाली रिफ्ट वैली होने की वजह से उधर चली जाती है. द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच माउंटेनियस रीजन. तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा वैली पड़ता है. सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा वैली पड़ता है. ठीक है, एसर्सन और रीजन वाला सवाल है. एसर्सन कहता है कि द नर्मदा जो नदी है फॉर्म करती है डेल्टा एट द माउथ. डेल्टा ये फॉर्म करती है नहीं. ठीक है, जो वेस्ट फ्लो करती है नदियाँ वो डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि काफ़ी स्टीपली बहुत ही फास्ट मूव करती हैं नदियाँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहाड़ियों के ऊपर से गुजरती हैं जिनका टॉप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये सिल्ट नहीं लेके जाती हैं, तो ये डेल्टा नहीं बनाती. इट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली. तो ए सही है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है. ठीक है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है. विच वैली रिवर इज़ नोन एज द नोन टू डीप रिवाइंस. ठीक है, विच रिवर वैली इज़ नोन टू डीप रैविन्स. आंसर होगा चंबल. यहाँ पे जो है रैविन्स काफ़ी बनते हैं जिसमें जो है, जैसे आपने देखा होगा ना मूवी कि भाई चंबल में जो है डाकू छुपे हुए थे, वो ऐसे ना उबड़ खबड़ ऐसे ऐसे बन जाता है जिसे हम रैविन्स कहते हैं, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं छुप जाते हैं. विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर के लिए अप्रोप्रिएट जो फीचर है वो है स्ट्रक्चरल ओरिजिन. इसका स्ट्रक्चरल ओरिजिन जो है रिफ्ट वैली से होकर गुजरता है ये. विच रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा. नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाता है. ट्रिब्यूटरीज और उसके रिवर बताने हैं. बेतवा जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना की. बेतवा जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना की. सिप्रा जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी है. वेन गंगा गोदावरी नदी की जो है ये ट्रिब्यूटरी है. तवा जो है नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है. बेतवा जो है यमुना नदी की. सिप्रा जो है चंबल नदी की है. वेन गंगा जो है गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है. तवा जो है नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है. विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली. हम जानते हैं कि नर्मदा और तापी दो नदियाँ ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली से गुजरती है और वेस्टर्न फ्लोइंग है और जाके जो है कहीं ना कहीं अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं. चंद्रा एंड भागा दो नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो कि फ्लो करती हैं किस रीजन से होकर गुजरती हैं. तो ये लाहौल रीजन से होकर गुजरती हैं चंद्रा और भागा. ठीक है, चंद्रा और भागा जो है लाहौल एरिया से होकर रीजन से होकर गुजरती हैं. विच डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन. नर्मदा बेसिन का पार्ट है राजनंदगांव जो है डिस्ट्रिक्ट जो है नर्मदा बेसिन का पार्ट है. विच रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक. हम जानते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी होकर निकलती है और साथ में नर्मदा नदी भी. त्रिवेणी कनाल किस नदी के ऊपर है. बिहार में एक कैनल है, बिहार में चंपारण में, वेस्ट चंपारण में है ये त्रिवेणी कनाल. गंडक नदी के बनाया गया है, गंडक नदी के ऊपर बनाया गया है त्रिवेणी कनाल. त्रिवेणी कनाल जो है बिहार में ये गंडक नदी के ऊपर वेस्ट चंपारण में बनाया गया है. नर्मदा वैली इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये रिफ्ट वैली का एग्जांपल है और ये वैली ही ऐसी है कि इसको वेस्टवर्ड ले जाती है. नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से. अमरकंटक से एक और नदी ओरिजिनेट होती है, सोन नदी. द रिवर विच फ्लोज थ्रू फॉल्ट थ्रू ट्रफ. तो ये वही रिफ्ट वैली, फॉल्ट ट्रफ या फिर रिफ्ट वैली कह लो, नर्मदा बहती है. विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस. तो ये विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है नर्मदा नदी, एक रिफ्ट में बहती है. वेस्टवर्ड फ्लोइंग नदियाँ बताना है आपको. दो नदियाँ हैं जो कि वेस्ट फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं. ये दोनों नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती. विच रिवर फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट को फ्लो होने वाली नदी नर्मदा नदी है, ताप्ती भी है. द रिवर तवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा नदी. रिवर तवा जो है ट्रिब्यूटरी है किस नदी की, ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की. विच रिवर फॉल्स इंटू अरेबियन सी. अरेबियन सी में जाके गिरती है ताप्ती और नर्मदा, दोनों नदियाँ गिरती हैं. तो यहाँ पे दिया ताप्ती, ठीक बात है. विच रिवर थ्राइस फोर्क इंटू टू स्ट्रीम्स एंड रीयूनाइट्स ए फ्यू माइल्स फारदर ऑन दस फॉर्मिंग द आइलैंड ऑफ श्री रंगपत्तनम, शिव समुद्रम एंड श्री रंगम. ये कावेरी नदी है. ये बहते बहते क्या होती है, दो स्ट्रीम में बढ़ जाती है. तो एक जगह ये श्री रंगपत्तनम बना देती है, फिर जुड़ जाती है, फिर थोड़ी दूर जाकर फिर ऐसे बढ़ जाती है, यहाँ पे शिव समुद्रम बना दिया, फिर जाती है, फिर ऐसे होके फिर बना देती है यहाँ पे श्री रंगम.
द सोर्सेज ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन ब्रह्मगिरी हिल्स। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी हिल पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक में पड़ता है ब्रह्मगिरी का हिल। रिवर कावेरी जो है इट फ्लोज थ्रू कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। ज़्यादा एरियाज का तमिलनाडु में, कर्नाटक से ओरिजिनेट ही होती है, केरल में भी बहती है। तीनों के बीच में डिस्प्यूट भी चलता है इसका वाटर शेयरिंग का। विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ? कावेरी को जो है गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। गंगा ऑफ साउथ बोले तो कावेरी होगा, दक्षिण की गंगा बोले तो क्या होगा? गोदावरी होगा। रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच रिवर वॉज अंडरटेकन? गोदावरी और कृष्णा नदी को लिंक करने की जो है बात चल रही है जोरों शोरों पर। गोदावरी और कृष्णा को लिंक करने की बात चल रही है जोरों शोरों पर। विच इंडियन रिवर फॉर्म्स एन इस्च्योरी? इस्च्योरी बनाती है ताप्ती। इस्च्योरी बनाती है कौन सी नदी? ताप्ती बनाती है इस्च्योरी। ठीक है, कौन सी नदी इस्च्योरी बनाती है? ये ताप्ती नदी बनाती है। विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द रिवर्स? रिवर्स का करेक्ट सिक्वेंस है गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ बताना है आपको। लेंथ वाइज देख बताना है, डिसेंडिंग सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसे तो दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं कि इसके लेंथ की वजह से काफ़ी बड़ी है ये। फिर नर्मदा है, गोदावरी के बाद नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर तापी है। तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इनका लेंथ वाइज। फोर रिवर्स हैव बीन मेंशन्ड बिलो, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज रिवर्स इन लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्गेस्ट? तो सबसे बड़ी गोदावरी है, गोदावरी के बाद कृष्णा नदी है, फिर महानदी है, फिर नर्मदा है। तो यही सीक्वेंस जो है करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस यही है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ टू साउथ बताना है, मतलब ईस्ट वर्ड में नॉर्थ टू साउथ बनाना है। सुवर्ण रेखा उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है, महानदी, फिर उसके बाद आती है नीचे उसके जस्ट उड़ीसा में ही गोदावरी। गोदावरी जो है, सुवर्ण रेखा जो है थोड़ा सा ये झारखंड में बहती है, झारखंड उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, गोदावरी फिर आ जाती है, फिर कृष्णा, फिर पेनार, फिर कावेरी, फिर वेगाई। ये जो है नॉर्थ से साउथ, सबसे नॉर्थ में कौन होगा? ये है सुवर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेनार, फिर कावेरी, फिर वाइगाई। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ड्रेनेज पैटर्न्स? तो ये डेंड्रेटिक पैटर्न, मतलब कि जो होता है ना डेंड्रेटिक, ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये डेंड्रेटिक पैटर्न में बहती हैं। सोन नदी, सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। सोन नदी कह लो, नर्मदा और महानदी, तीन नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती हैं। विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मंद एंड महानदी? विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मंद एंड महानदी? आंसर होगा चंद्रहासिनी देवी। ठीक है, विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मंद एंड महानदी? आंसर होगा चंद्रहासिनी देवी, चंद्रहासिनी देवी। विच रिवर डज नॉट मेक इस्च्योरी? महानदी जो है इस्च्योरी नहीं बनाती है। विच रिवर डज नॉट मेक इस्च्योरी? आंसर होगा महानदी, महानदी जो है इस्च्योरी नहीं बनाती है। इम्फाल बेसिन जो कि मणिपुर की कैपिटल है, सराउंडेड बाई मणिपुर हिल्स, इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? इम्फाल बेसिन जो है सराउंडेड बाई मणिपुर हिल्स इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ लोकुस्ट्रीन प्लेन। ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? लोकुस्ट्रीन प्लेन का ये अच्छा एग्जाम्पल है। इन द स्कीम ऑफ जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया बाई एस पी चटर्जी इन विच सब डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड महानदी बेसिन इज इंक्लूडेड? ठीक है, सवाल फिर से सुनिएगा। इन द स्कीम ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया बाई एस पी चटर्जी इन विच सब डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड महानदी बेसिन इज इंक्लूडेड? ये है द नॉर्दर्न डेक्कन प्लेटू। विच रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा इन उड़ीसा? महानदी जो है उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, महानदी जो है ईस्टर्न कोस्ट पे यानी कि उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है। अमृत धारा वाटरफॉल ये किस नदी के ऊपर है बनता है? अमृत धारा वाटरफॉल बनता है हसदेव रिवर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेज ऑफ इंडियन रिवर्स हैव वाटर डिफिशियंसी? तो साबरमती में पानी की कमी है, ताप्ती में भी पानी की कमी है, कृष्णा और कावेरी में इतनी ज़्यादा जो है पानी की कमी नहीं है। एट विच प्लेसेस डू टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट वाइल वन ऑफ देम फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्ज विद द अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल? ये सोन नदी की बात हो रही है। द अदर वन फ्लो टू अदर अरबियन सी, ये नर्मदा नदी की बात हो रही है।
तो नर्मदा और सोन नदी की बात हो रही है, ये दोनों जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। विच रिवर हैज लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन पेनिनसुलर एरिया, तो दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, गोदावरी बहुत बड़ा इसका कैचमेंट एरिया है, काफ़ी एरिया कवर करती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी अगेन लॉन्गेस्ट नदी है पेनिनसुलर इंडिया की, गोदावरी। कंसिडर कीजिए इन रिवर्स को, जैसे कि वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पिनार, ये चार नदियों को कंसिडर कीजिए। विच ऑफ द अबव आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, गोदावरी की इनमें से ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती एंड प्राणहिता, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती एंड प्राणहिता। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा एंड वंशधारा, तो ये कौन सी नदी है इसमें से ईस्टर्न घाट में राइज होती हैं, ये दो और चार यानी कि नागवली और वंशधारा नदी ईस्टर्न घाट से राइज होती है, वेस्टर्न घाट से नहीं, ईस्टर्न घाट से। अब हम बात करेंगे कुछ अदर रिवर्स की, साउथ हो, नॉर्थ हो गया, पेरिनियल हो गया, ये सब अदर रिवर्स की अब बात करते हैं। सो विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, थ्री ऑफ देम पोअर इन टू वन ऑफ देम, विच ज्वाइंस द इंडस डायरेक्ट, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट ज्वाइंस इंडस डायरेक्ट, यह है सतलज। सतलज नदी जो है इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। विच बाकी सारी नदियाँ जो हैं, जैसे कि रवि नदी हो गई, ब्यास हो गई, ये सब जाके मिठानकुट में इंडस से मिलती है, इससे पहले ये इंडिया में ही मिल जाती हैं आपस में। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा, बट इज इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट्स फ्लोज थ्रू सिक्किम। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। रिवर तीस्ता फ्लो इन टू बे ऑफ बंगाल एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कौन कौन सा इसमें से सही है पूछा है, तो तीनों सही है दोस्तों, तीनों सही है। अगला सवाल कहता है कि विच रिवर ऑफ इंडिया कट अक्रॉस ऑल रेंजेज ऑफ हिमालयस, तो ये है सतलज। सारे रेंजेस हिमालयस के कट करके ये आती है और फर्दर जाके ये इंडस में मिल जाती है। दूध गंगा रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, दूध गंगा रिवर जो है लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में। दूध गंगा जो रिवर है लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में। विच रिवर नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है तेल नदी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। द हगारी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा की ये ट्रिब्यूटरी है हगारी रिवर। कंसीडर करना है आपको कुछ रिवर्स, जैसे कि किशन गंगा, गंगा वेन गंगा एंड पेन गंगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स व्हेन अरेंज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो सबसे ऊपर आएगा किशन गंगा, ठीक है किशन गंगा, फिर आएगा गंगा, फिर आएगा वेन गंगा, फिर पेन गंगा। नॉर्थ से साउथ में आएंगे तो सबसे आएगा किशन गंगा यानी कि वन, फिर आएगा गंगा यानी कि टू, फिर आएगा वेन गंगा, फिर आएगा पेन गंगा। रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर, हिमाचल प्रदेश के थ्रू बहने वाली नदियां हैं ब्यास नदी, चिनाब, रवि, सतलज एंड यमुना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को पास करने वाली नदियां हैं ब्यास नदी, चिनाब नदी, रवि नदी, सतलज और यमुना। विच कैनाल हैज़ बिन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर, दामोदर रिवर से हमने एक कैनाल निकाला है, इसका नाम है इडोन कनाल। विच कैनाल हैज़ बिन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर, तो दामोदर रिवर से हमने एक कनाल निकाला है, इसका नाम है इडोन कनाल। दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, दामोदर जो है ट्रिब्यूटरी है हुगली नदी की, हुगली नदी जो कि कलकत्ता इसके किनारे पर बसा हुआ है, इसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी। रिवर दामोदर इमर्जेस फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इमर्ज होती है छोटा नागपुर की पहाड़ियों से इमर्ज होती है दामोदर नदी। विच रिवर ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी इंद्रावती नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज़ रिफ्ट वैली ड्यू टू टाउन रैपिंग वार्पिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज़ रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग, आंसर होगा दामोदर। विच रिवर इज़ फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, तो यह है दामोदर नदी, काफ़ी फॉल्ट बनाती है ये। विच रिवर्स इज़ मोस्ट पॉल्यूटेड, दामोदर अगेन, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है।
राज्य रप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर? आंसर होगा दामोदर भेरा के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ है राज्य रप्पा। विच इज अ लैंड बाउंडेड रिवर? लैंड बाउंडेड रिवर है राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी नदी। लैंड से बाउंड है और कहीं जाके कहीं लैंड में ही खो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, किसी भी सी में जाके नहीं गिरती। विथ रेफरेंस टू रिवर लूनी विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो लूनी नदी हम जानते हैं राजस्थान की नदी है। इट इज़ लॉस्ट इन मार्सी लैंड ऑफ रण ऑफ कच्छ, ठीक है, राजस्थान से होते हुए गुजरात में आकर रण ऑफ कच्छ में गुम हो जाती है ये अरबियन सी में जाके नहीं मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर इज, इनलैंड ड्रेनेज रिवर की एग्जाम्पल है घग्घर, ठीक है, घग्घर नदी जो है ये इनलैंड ड्रेनेज रिवर है। द मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैज़ टेकन प्लेस इन कोसी, कोसी अपना जो है रास्ता बदलते रहती है, अपना कोर्स शिफ्ट करते रहती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इतना अपना रास्ता बदलती है। तो एक बार कभी कहीं बाढ़ लाती है, दूसरी बार कहीं कहीं बाढ़ लेके आती रहती है। रिवर खरी इज पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, खरी रिवर जो है ये पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम किसका, बे ऑफ बंगाल का। खरी रिवर जो है ये पार्ट है किसका ड्रेनेज सिस्टम का, तो ये बे ऑफ बंगाल के ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है खरी रिवर। विच रिवर डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ग्लेशियर, ग्लेशियर में इस नदी का सोर्स नहीं है, ये कोसी नदी, कोसी नदी ग्लेशियर में इसका सोर्स नहीं है। त्रिवेणी कनाल कहाँ से, किस नदी से पानी लेता है, या फिर कह सकते हैं किस नदी के ऊपर जो है त्रिवेणी कनाल बनाया गया। त्रिवेणी कनाल बिहार में और बिहार के वेस्ट चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर के आसपास गंडक नदी पे बनाया गया। विच रिवर इज इन बिहार चेंज इट्स कोर्स इन द ईयर 2008 एंड कॉज कैलामिटी, लाइक बाढ़, बहुत बड़ा बाढ़ लेके आई थी, ये थी कोसी नदी। फ्रॉम नॉर्थ टूअर्ड्स साउथ विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो ये सबसे ऊपर आपको सियोक नदी मिलेगा, फिर झंस्कार नदी लद्दाख में, स्पीति नदी, फिर सतलज नदी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो। अब है दोआब और रिवर, जानते हैं कि दो नदियों के बीच वाले एरिया को दोआब कहते हैं, तो बिस्ट दोआब बनता है ब्यास और सतलज नदी के बीच में, बरी दोआब बनता है रबी और ब्यास नदी के बीच में, रचना दोआब बनता है रबी और चेनाब नदी के बीच में, छाज दोआब बनता है चेनाब और झेलम नदी के बीच में। हिजला फेयर ऑफ दुमका, दुमका हम जानते हैं कि झारखंड में पड़ता है, तो हिजला फेयर होता है वहाँ पे, ऑफ दुमका इन संथाल परगना इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये रिवर है मयूरक्षी रिवर के किनारे पे हिजला फेयर दुमका जिले में मनाया जाता है संथाल परगना में। ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड बिटवीन द टू स्टेट्स लिंकिंग टू रिवर्स, ये दो स्टेट कौन कौन से हैं, तो एक तो है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे केन नदी है, और मध्य प्रदेश के बीच, ये बीच में दोनों बीच में साइन हुआ केन और बेतवा नदी के लिए, ठीक है, इनको लिंक करने के लिए। काफ़ी दिन से चल रहा था बवाल, इसमें कुछ इन्वायरमेंटल इशूज आ रहे थे, कुछ लोग जो इनहेबिटेंट थे उनके शिफ्टिंग का इशू आ रहा था, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ये बीच है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। इन द उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश स्टेट्स द ज्वाइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन, तो ये जो ज्वाइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट है बेतवा रिवर पे लोकेटेड है। विच डैम इज बिल्ट अक्रॉस बेतवा रिवर, बेतवा रिवर पे राजघाट डैम बनाया गया है, बेतवा रिवर पे राजघाट डैम बनाया गया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का है ये ट्रिब्यूटरी और रिवर एक तरफ, दूसरी तरफ मेन रिवर। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल जो है नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। सोन नदी यार गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन, ना कि यमुना की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की है, तो चंबल हम जानते हैं यमुना की है, सोन नदी जो है गंगा की है, मानस नदी सही है ब्रह्मपुत्र की, तो ओनली तीन सही है। करेक्टली मैच बताना है आपको तो सोर्स रीजन और दूसरा तरफ रिवर। कावेरी का जो सोर्स है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है। झेलम का जो सोर्स है वो बेरीनाग स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट होती है झेलम नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और छोटा नागपुर के प्लेटू से सुवर्णरेखा नदी निकलती है, छोटा नागपुर के प्लेटू से सुवर्णरेखा नदी।
एसर्शन और रीजन वाला सवाल। एसर्शन कहता है कि रिवर काली नदी इज़ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। रीजन कहता है कि द डेक्कन प्लेटू इज़ हायर अलोंग इट्स वेस्टर्न एज एंड जेंटली स्लोप्स टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इसीलिए नदियाँ इधर बहती हैं। ये बात सही है, आर ट्रू है, बट काली नदी ईस्ट फ्लोइंग नदी साउदर्न इंडिया की नहीं है। ऑन विच रिवर इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट ब्रिज बींग कंस्ट्रक्टेड, चेनाब नदी पर वर्ल्ड का हाइएस्ट ब्रिज बनाया जा रहा है। वर्ल्ड का हाइएस्ट ब्रिज किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? चेनाब नदी के ऊपर। महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार में लोकेटेड है, गंगा नदी के ऊपर है, ब्रिज है ये। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? सतलज जो है एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, ये तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है सतलज, तो ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है। कोपीली इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ, कोपीली जो है ये ट्रिब्यूटरी रिवर है ब्रह्मपुत्रा की, कोपीली जो है ट्रिब्यूटरी रिवर है ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट कहता है कि द कैचमेंट एरिया ऑफ विच रिवर इज मैक्सिमम, सोन का जो है मैक्सिमम कैचमेंट एरिया है सोन का, मध्य प्रदेश से होते हुए आके बिहार में आती है। द करेक्ट मैच ऑफ रिवर ऑफ गिवन रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी इज, तो गंगा का ट्रिब्यूटरी है सोन, हम जानते हैं कि पटना के आसपास मिलती है। गोदावरी नदी की मंजीरा ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा नदी की है भीमा नदी ट्रिब्यूटरी, और यमुना की केन है, केन और बेतवा दोनों जो है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। रिवर और ट्रिब्यूटरी कृष्णा की भीमा है, ब्रह्मपुत्रा की तिस्ता नदी ट्रिब्यूटरी है जिस पर डिस्प्यूट भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में। गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, और यमुना नदी की है चंबल नदी, चंबल नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इन विच रिवर द अपर कोर्स कंटेन फ्रेश वाटर बट सैलिन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट, इन विच रिवर द अपर कोर्स जो है इस नदी का जो अपर कोर्स है वहाँ पे फ्रेश वाटर है, कोई बात नहीं बहुत अच्छा है, बट जो लोअर पार्ट है वो मरीन वाटर है, थोड़ा सा लोअर वाटर जो है सैलिन वाटर कह सकते हैं, लूनी नदी है ठीक है, जो कि रण ऑफ कच्छ में आके जो है गुम हो जाती है, ये अरेबियन सी में जाके नहीं गिरती। विच रिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड रिवर का एग्जाम्पल है चंबल रिवर। संकोस रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन, संकोस नदी जो है असम और बंगाल के बीच में बाउंड्री बनाती है, विच रिवर ओरिजिनेट इन एमपी एंड ड्रॉप्स इट्स वाटर इनटू गल्फ ऑफ खंबात, विच रिवर ओरिजिनेट्स इन एमपी एंड ड्रॉप्स इट्स वाटर इनटू गल्फ ऑफ खंबात, ये है माही नदी। विच रिवर ओरिजिनेट्स इन एमपी एंड ड्रॉप्स इट्स वाटर इनटू गल्फ ऑफ खंबात, आंसर होगा माही नदी। विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, आंसर है माही। माही एक ऐसी नदी है जो गुजरात में रहती है और दो बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है माही नदी। किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? किशन गंगा जो है ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की। किशन गंगा जो नदी है किस चीज़ की, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ये झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है। मीठी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, ये बिहार लेक से ओरिजिनेट होती है। मीठी रिवर जो है मुंबई की रिवर है, ओरिजिनेट होती है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, ये ओरिजिनेट होती है बिहार लेक से। रिवर और ट्रिब्यूटरी बताना है। वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी है पेनगंगा, महानदी की ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरी है बराकर, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है भवानी। अब हम देखेंगे कि सिटीज़ किस रिवर्स के बैंक पे बसी हुई हैं। जैसे कि कानपुर हम जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा कानपुर बसा है। उत्तरकाशी बसा है गंगा के किनारे ही, उत्तरकाशी जो सिटी है उत्तरकाशी जो है ये गंगा पे नहीं बसा है। द हाइएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड इज बूढ़ा घग जो है ये हाईएस्ट वाटरफॉल है झारखंड का। लेह इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी के राइट बैंक पे लोकेटेड है लेह शहर। अमृतधारा वाटरफॉल जो है इट इज़ ऑन विच रिवर, अमृतधारा वाटरफॉल जो है ये हसदो नदी पे वाटरफॉल लोकेटेड है। अमृतधारा जो वाटरफॉल है लोकेटेड है हसदो रिवर के ऊपर। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना बसा हुआ है सतलज नदी के किनारे। जबलपुर बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। सूरत बसा हुआ है तापी नदी के किनारे।
सूरत बसा हुआ है तापी नदी के किनारे, करेक्ट मैच आपको बताना है। अहमदाबाद शहर बसा हुआ है साबरमती के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, कोटा बसा है चंबल नदी के किनारे राजस्थान में कोटा, नासिक बसा है गोदावरी नदी के किनारे, जबलपुर बसा है नर्मदा नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कोटा बसा है चंबल और नासिक गोदावरी के किनारे बसा हुआ है, कटक बसा हुआ है महानदी के किनारे, लुधियाना बसा हुआ है सतलज नदी के किनारे, नासिक बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन बसा हुआ है छिपरा नदी के किनारे, छिपरा नदी के किनारे करेक्टली मैच आपको बताना है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, भुवनेश्वर जो है कौखाई नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन जो है छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है, फेमस प्लेस किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, पंधारपुर ये पड़ता है आपको चंद्रभागा रिवर के ऊपर बसा हुआ है, तिरुचिरापल्ली साउथ में कावेरी तमिलनाडु में पड़ता है कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है, हम्पी जो है मालप्रभा ये कर्नाटक में पड़ता है मालप्रभा नदी के किनारे बैंक पे बसा हुआ है। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, तो इसमें जो है 1 और 2 करेक्टली मैच है, 3 मैच नहीं है। पहलगाम जो है कश्मीर में, इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है पहलगाम जो है कश्मीर में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर लिद्दर। वाटरफॉल और लेक्स की बात करेंगे तो हुंडरू फॉल जो है ये लोकेटेड है सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर, हुंडरू फॉल जो है लोकेटेड है सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर। शिव समुद्रम जो फॉल है ये लोकेटेड है कावेरी नदी के ऊपर। वाटरफॉल और रिवर कपिल धारा फॉल जो है गोदावरी नदी के ऊपर बसा हुआ है, जोग गरसुप्पा फॉल जो है श्रावस्ती नदी के, शिव समुद्रम फॉल जो है कावेरी नदी पे, ये आपको दिया गया है बट जोग और कावेरी जो है सही है, जोग और शिव समुद्रा सही है, बाकी कपिल धारा जो है गलत है, तो 2-3 सही है बाकी गलत है। अब आपको बताना है वाटरफॉल और रिवर, दूध सागर वाटरफॉल जो है मांडवी नदी ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका के बीच में बॉर्डर पे बसा हुआ है दूध सागर। दुदुमा जो वाटरफॉल है ये मच्छकुंड कोरापट उड़ीसा में है। गोडक जो है ये घाट प्रभा नदी पे बेलगांव कर्नाटका में। जोग गरसुप्पा जो है श्रावती नदी पे कर्नाटक पे बसा हुआ है। जोग फॉल जो है बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया में, इट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर, ये श्रावती नदी के ऊपर बसा हुआ है। जोग फॉल विच इज़ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, श्रावती रिवर। करेक्ट मैच आपको बताना है वाटरफॉल एंड रिवर्स का, तो शिव समुद्रम कावेरी के ऊपर है, चुलिया चंबल नदी के ऊपर है, जोग श्रावती के ऊपर है और धौंधार जो है नर्मदा नदी के ऊपर एक वाटरफॉल है। नियाग्रा फॉल जो है इन नॉर्थ अमेरिका जो है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, नियाग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका में, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लेक ओंटारियो एंड लेक इरी, इन दोनों के बीच में है नियाग्रा फॉल। विच वाटरफॉल इंडिया इज़ पॉपुलरली नोन एज नियाग्रा फॉल्स, इसे कहते हैं चित्रकूट फॉल को हम नियाग्रा फॉल का दर्जा देते हैं, जो कि एक्चुअली जो है लेक ओंटारियो और लेक इरी के बीच में है नॉर्थ अमेरिका में। विच रिवर द चित्रकूट वाटरफॉल इज़ लोकेटेड, तो ये इंद्रावती रिवर के ऊपर है, चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती रिवर के ऊपर है। करेक्ट मैच बताना है, वाटरफॉल है एक तरफ, दूसरी तरफ लोकेशन है। दूध सागर वाटरफॉल गोवा में लोकेटेड है, बरकाना वाटरफॉल जो है ये कर्नाटक में लोकेटेड है, खंदाधार ये उड़ीसा में लोकेटेड है, पलानी जो है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगला है विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गोवा, गोवा में जो लोकेटेड है वो है दूध सागर फॉल्स कहाँ पे लोकेटेड है, गोवा में। विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन भेड़ाघाट में सिचुएटेड है धौंधर वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल जो लोकेटेड है बस्तर में लोकेटेड है। विच वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम हाइट, ये है बर्ची पानी फॉल्स। विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम हाइट, ये है बर्ची पानी फॉल्स। बेम्बनाद लेक इज़ लोकेटेड इन केरल, बेम्बनाद लेक जो है कहाँ पे लोकेटेड है, केरल में लोकेटेड है। व्हाट इज़ कयाल, कयाल होता है एक लैगून है केरल का, कयाल जो है ये एक लैगून होता है केरल में। चिल्का लेक लोकेटेड है नॉर्दर्न सिरकार में, जो कि पड़ता है उड़ीसा में। लार्जेस्ट सेलिन वाटर लेक जो है चिल्का लेक है उड़ीसा वाला,
विच लेक ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये लेक का नाम है स्वरूप सागर लेक। विच लेक ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसका नाम है स्वरूप सागर लेक। विच लेक इज शेयर्ड बाई टू इंडियन स्टेट, ये है पुलिकट। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुलहार लेक इज सिचुएटेड, फुलहार लेक जो है, फुलहार लेक कहाँ पर है, फुलहार लेक है उत्तर प्रदेश में। लेक और स्टेट बताना है, वेम्बनाथ, वेम्बनाथ जो है केरल में है। लोकतक लेक मणिपुर में काफ़ी फेमस, डल लेक जम्मू कश्मीर। फ्लोटिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम की जाती हैं। पुलिकट जो है लेक लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, पुलिकट ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। विच इज एन आर्टिफिशियल लेक, तो जो कडाई कनाल है इसे मैन मेड लेक भी कहा जाता है, इसे आर्टिफिशियल लेक भी कहा जाता है। विच लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन आसाम, चपनाला लेक जो है ये आसाम में लोकेटेड है। विच इज़ कॉल्ड द मिस्ट्री ऑफ लेक, मिस्ट्री लेक, मिस्ट्री लेक कहा जाता है। रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक कहते हैं, रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक कहा जाता है। विच लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है अंचर लेक, अंचर लेक जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। अष्टामुड़ी केरल में लोकेटेड है, एक लेक है। पुलिकट लेक तमिलनाडु में लोकेटेड है। रूपकुंड उत्तराखंड में लोकेटेड एक लेक है। सूरज कुंड हरियाणा में लोकेटेड एक लेक है। द स्नो कवर्ड घेपान लेक इज लोकेटेड इन, स्नो कवर्ड जो घेपान लेक है लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। स्नो कवर्ड घेपान लेक लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। लेक और दूसरी तरफ लोकेशन, साला लेक लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। भदखाल लेक लोकेटेड है हरियाणा में। लोकतक लेक जो है मणिपुर में लोकेटेड है। काली वैली लेक जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है, काली वैली। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, बुद्धा घाघ वाटरफॉल ये खांची नदी पे नहीं बसा है। विच रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना कुचामन सरगोल एंड खाटू आर नेम्स ऑफ सेलिन लेक्स, विथ रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना कुछामन सरगोल एंड खाटू जो है ये सेलिन लेक्स हैं। स्टेट और हॉट स्प्रिंग बताना है, हिमाचल प्रदेश में एक हॉट स्प्रिंग है इसका नाम है मणिकरण, उड़ीसा में एक हॉट स्प्रिंग है इसका नाम है तपता पानी, महाराष्ट्र के हॉट स्प्रिंग का नाम है बज्रेश्वरी, राजस्थान के हॉट स्प्रिंग का नाम है नारायणी। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये वुल्लर लेक जे एंड के में पड़ता है, वुल्लर लेक। अब अगला टॉपिक होगा क्लाइमेट।